वेलकम बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस गुरुजी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राहुल तिवारी आज आपको मैथ्स एनडीए सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो कि 16 तारीख संडे को एग्जाम हुआ है आपका। जो ये आंसर की होगी बिल्कुल बच्चों ऑथेंटिक आंसर की आने वाली है, और इस आंसर की को आप मिलाइए इसमें, क्योंकि हम डिटेल सोल्यूशन पर चर्चा करेंगे। सिर्फ आंसर नहीं, हम डिटेल सोल्यूशन करेंगे कि ऑप्शन क्यों है और कैसे है। तो आप प्लीज, अगर आपको अपना आंसर मैच करना है तो आप वीडियो को आखिरी तक देखें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आपका स्कोर इस आंसर की से कितना आ रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, कह रहा है कि हाउ मेनी रियल नंबर्स, ठीक है ना, क्या बोल रहा बच्चों, हाउ मेनी रियल नंबर्स सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स माइनस फोर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो बेटा अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू 15, अब आपको पता है मॉड की प्रॉपर्टी, सब बच्चों को पता होगी क्या होती, नहीं पता है तो ध्यान दो। तो मॉड एक्स माइनस फोर को बेटा अगर ओपन करते हो तो क्या मिलता है, एक्स माइनस फोर आएगा वेन एवर क्या, एक्स माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स माइनस फोर आएगा वेन एवर एक्स माइनस फोर इज लेस देन जीरो। इसी तरीके से बच्चों मॉड एक्स माइनस सेवन को भी आप ओपन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस सेवन वेन एवर एक्स माइनस सेवन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स माइनस सेवन आ जाएगा बच्चों वेन एवर एक्स माइनस सेवन इज लेस देन जीरो। ठीक है, बात आई समझ में। अब क्या करो, दोनों क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो दोनों को हम कंबाइन करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो देखो जरा यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू फोर, और यहां से क्या मिलेगा आपको एक्स इज लेस देन फोर, यहां से क्या मिलेगा आपको एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू सेवन, और यहां से आपको क्या मिलेगा एक्स इज लेस देन सेवन। तो जो वैल्यू बेटा चार से बड़ी होगी ऑब्वियस सी बात है सात से बड़ी होगी, तो ये दोनों साथ में कंबाइन हो जाएंगे, और इसी तरीके से जो वैल्यू चार से कम होगी वो सेवन से भी कम होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो ये साथ में कंबाइन हो जाएंगे। तो एक सोल्यूशन हमको यहां से मिलेगा, एक सोल्यूशन यहां से मिलेगा, तो जो सोल्यूशन मिलेगा एक आएगा आपके पास 13 और एक आएगा माइनस 2, है ना। आइए सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, आप यहां माइनस 13 आप 13 पुट करेंगे तो 13 माइनस 4 है ना, और बच्चों प्लस 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा बता दो जरा, 13 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 9, और प्लस 13 माइनस 7 करेंगे 6, 9 प्लस 6 बच्चों कितना होता है 15। इसी तरीके से माइनस 2 पुट करके देख लो तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 प्लस माइनस 2 माइनस 7, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 तो मॉड लगा तो 6 आ जाएगा फिर से, और माइनस 2 माइनस 7 9 आ जाएगा मॉड लगाए तो कितना आएगा फिर से 15। तो इसका मतलब इसके दो रियल रूट्स हैं, दो रियल सॉल्यूशंस हैं इसके पास, कौन कौन से हैं, एक है 13 और एक है माइनस 2। तो हमसे बस नंबर पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन से हैं, तो कितने सॉल्यूशन है, कितने हमारे पास नंबर सेटिस्फाई करें इस इक्वेशन को, तो ओनली 2, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट क्या हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ मैपिंग एफ ए टू बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन आपके पास है, फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है कितना 2x plus 3। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है यार, 2x plus 3 और ये आ जाएगा 3x plus 5। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये इसका डोमेन क्या होगा, देखो अगर कह रहा है ना एफ ए टू बी, तो अब आपको पता है कि ये बच्चा डोमेन की तरह काम करता है और ये आपका को डोमेन की तरह काम करता है, हाँ या ना, ये डोमेन की तरह, जो बच्चे आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में उनको पता है ये बच्चा किसकी तरह काम करता है, डोमेन की तरह, और ये किसकी तरह काम करता है, को डोमेन की तरह काम करता है। तो अगर ये डोमेन है तो डोमेन में वही नंबर आएंगे, वही उसके सॉल्यूशन होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन इसके कौन कौन सा एक्स है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये नीचे वाला जीरो तो होना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब 3x plus 5 जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ एक्स क्या नहीं हो सकता नॉट इक्वल टू -5/3। तो एक्स -5/3 किसमें है, किसमें हटा दिया गया है, तो देखो एक ऑप्शन ए में हटाया है और एक ऑप्शन डी में हटाया है ना, तो इसका मतलब बी और सी तो हो नहीं सकते, या तो ऑप्शन ए होगा या तो डी होगा। अब हमको क्या चेक करना है, बी के बारे में बात कर रहा है तो बी के बारे में कुछ नहीं करना होता है, अब आपको पता ही होगा बी के बारे में, अगर आपको ध्यान देना है तो बी में आप एक काम कर लो कि इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में कंसीडर कर लो, कैसे कंसीडर करोगे ध्यान दो इधर, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या था 2x प्लस कितना है 3 है और कितना है बच्चों 3x plus 5 है ना, 3x plus 5 है, तो कंसीडर कर लो आप इसको 2x plus 3 अपॉन 3x plus 5 को आप कंसीडर कर लो समथिंग y, सो 2x plus 3 विल बी इक्वल टू 3xy plus 5y। x की वैल्यू y के टर्म में आप कैलकुलेट कर लो, तो x को इधर ले आओ तो 2x minus 3xy
इज इक्वल टू 5y+3। एक्स कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा 2-3y विच इज इक्वल टू 5y+3। सो x इज इक्वल टू कितना 5y+3/2-3y। इसका मतलब अब यहां देखो, यहां पर y क्या नहीं होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए आप बता दो। ऑब्वियस सी बात है 2/3 नहीं, ये जीरो अगर हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा ना भाई। इसका मतलब 2-3y कैन नॉट बी जीरो। ये वैसा ही है जैसे आप 1-1 on 2 जैसे फंक्शन को बनाते हो उसी तरीके से, और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, इसका मतलब बच्चों आ जाएगा -3y ≠ -2। तो इसका मतलब y क्या होगा, ≠ 2/3। तो y क्या नहीं होना चाहिए, 2/3 नहीं होना चाहिए। आइए देख लो जरा, तो y कहां है, 2/3 जिसमें हटा दिया गया। तो ऑप्शन ए में -2/3 हटाया है, लेकिन हटाना क्या था, प्लस का 2/3 हटाना था। तो किसमें, किस ऑप्शन में हटाया जा रहा है बेटा, ये आपका ऑप्शन डी में हटा रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो पहले का ओनली 2 था और इसका हो गया आपका ऑप्शन डी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2 + x2 + ax + b = 0। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे जरा, क्या लिखा हुआ है, x2 ax + b, क्या लिखा है, x2 + ax + b = 0 लिखा हुआ है ना। तो और क्या लिखा हुआ है, और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू सफिशियंट टू फाइंड अल्फा। पहला स्टेटमेंट आपके पास दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, और दूसरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और सेकंड दिया है बेटा आपके पास अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड अल्फा एंड a इज इक्वल टू जीरो। तो कह रहा कौन सा वाला सही है इसमें, है ना। तो कौन सा सफिशियंट है अल्फा निकालने, अब मुझे एक बात बताओ आप, अल्फा प्लस बीटा जीरो, तो पहले वाले से आप चेक करो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या नहीं, सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स होता क्या है, -b/a, तो -b क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अगर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब -a क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। साथ ही साथ आप मुझे बताओ, अगर a जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, x2 + b। अब b निकाल लें जरा, b कैसे, यहां से कैलकुलेट कर लो कैसे, देखो जरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, है ना, और माइनस का 2 α β विच इज इक्वल टू किसके, 2 के। तो अल्फा प्लस बीटा पहले से हमारे पास जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, -2 α β इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस यानी कि 2 α β, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -1। अब आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो c की वैल्यू क्या है, b है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो हम यहां पे उठा के सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसका मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये जीरो था, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो। तो यहां से रूट्स आ जाएंगे आपके पास, है कि नहीं, प्लस माइनस वन आपकी दो रूट्स आ जाएंगे अल्फा, तो आराम से निकाल लिया आपने, इसकी कोई जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, इससे आपका कोई फायदा नहीं। a तो जीरो होगा तो x2 + b, लेकिन इस इक्वेशन से आप नहीं निकाल पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास कौन सा इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सिर्फ पहला वाला। तो आइए देख लेते हैं एक बार कि कौन सा हमारा सही हो रहा है इसमें, है ना, देख लो जरा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ओनली वन ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ओनली वन, ठीक है ना। तो पहले वाला सफिशियंट है हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ द सिक्स टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस इज 5600, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है। आइए देख लेते हैं इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों। तो क्या हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन, आपके पास क्वेश्चन है, मैं इसको हटा रहा हूं, क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन है, x^-8/3 प्लस x² log x/10, और इस पूरे का बेटा क्या है, पावर 8 है, और कह रहा है कि इसका जो सिक्स, कह रहा है इफ द सिक्स टर्म ऑफ द बाइनोमियल, इसका t6 कितना दिया है, t6 दिया 5600 की मैंने, है ना। तो कह रहा है कि x क्या होगा, एक बात मुझे बताओ आप लोग, सिंपल बात आपको एक बात पता होगी, क्या आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है, tr+1 क्या होता है, tr+1 होता है ncr x^n-r और a^r, है ना। अगर x + a^n का एक्सपेंशन हम करते हैं बाइनोमियल में, तो जो जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म उसकी वैल्यू क्या होती है, tr+1 = ncr x^n-r a^r। अब मुझे एक बात आप बता दो, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर r+1 में ब्रेक करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5+1 = 5600। अब ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर लो, तो n की वैल्यू कितनी बेटा, 8 है, तो 8c r के प्लेस पे आप क्या यूज करोगे, 5, तो 8c5 आ गया, और क्या यूज करोगे, 8c5 और क्या, एक्स, तो एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स की पावर में -8/3 और इसकी पावर में n-r, दैट मीन्स 8-5
5 और a टू द पावर r दैट मींस x स्क्वायर log x बेस 10 इसकी पावर में r दैट मींस 5 सिंपल है और विच इज इक्वल टू किसके 5600। अब एक बात बताओ 8 माइनस 5 करेंगे 3 तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें, है ना। और ये कितना हो जाएगा 8c5 आप कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 8 माइनस 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 और ये कितना हो जाएगा इनटू x टू द पावर माइनस 8 है और यहां पर बेटा ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर में 10 हो जाएगा और x की पावर में 8 तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप एक बात बताओ यहां आ जाएगा log x बेस 10 इसके पावर में 5 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 5600 सिंपल। अब एक मुझे बात बताओ, आप एक बात बताओ इसको क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 8 7 6 5 फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल 3 और 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 से 6 कैंसिल तो 8 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, और इंटू में x स्क्वायर और ये log x बेस 10 इस पावर में 5 इज इक्वल टू कितना 5600। अब एक बार देखो जरा इसका मतलब कितना आ चुका है हमारे पास, इसका मतलब आ चुका है 56x स्क्वायर और log x बेस 10 पावर में 5। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, एनडीए का पेपर दे रहे हो थोड़ी बुद्धि लगाइए, क्या है देखो 56 है इधर कितना आ रहा 5600 और यहाँ क्या x स्क्वायर। अब यहाँ x रख के देख लो ना बेटा, x की वैल्यू अगर आप 10 पुट करोगे, कितना पुट करोगे x की वैल्यू अगर 10 पुट कर दो जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन है तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो 5600 आ गया, नहीं आ गया 5600 आ गया आप अगर आपने x की वैल्यू क्या कर दी 10 पुट कर दी तो। और क्यों मैं कह रहा हूं 10 ही पुट करने के लिए, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है अगर यहां पे x की वैल्यू 10 पुट करोगे तो log 10 बेस 10 क्या होगा 1 और 1 की पावर में 5 कितना आएगा, ऑब्वियस ही बात है 1 है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ अगर 1 की पावर 5 1 हुआ तो 5600 इनटू 1 करेंगे तो 5600 के ही बराबर आएगा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा मैच हो रहा है डी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों डी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन 3x माइनस वाई टू द पावर 4 इनटू x प्लस 3y टू द पावर 4। इसको बहुत प्यार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कह रहा है इसके इसमें ना कितने इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे। बेटा आपको बहुत वो आसान सा फॉर्मूला पता है कि अगर किसी बाइनोमियल टर्म का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उसमें कितने टर्म होंगे, तो अगर बाइनोमियल है मतलब अगर उसके अंदर दो ही टर्म है तो आपको डायरेक्ट पता होता है कि जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा एक्सपेंशन में आता है, पावर अगर 2 है तो 3 होगा टर्म्स होंगे, 3 है तो 4 होंगे, लेकिन यहां भी आपको पता नहीं कि टर्म कितने हैं, है ना, और a प्लस b प्लस c की पावर में n है तो फार्मूला एक होता है n प्लस r वाला, है ना, अभी बताऊंगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक्सपेंशन निकालना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस एक्सपेंशन में, तो सबसे पहले उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में तो लिखो कि वो a प्लस b प्लस c की पावर में n बन रहा है या किसी दो टर्म के बाइनोमियल में बन रहा है या ट्राइनोमियल के टाइप में बन रहा है। तो आइए चेक करते हैं पहले इसको, है कि नहीं, आइए देख लीजिए। तो नेक्स्ट है बेटा क्या 3x माइनस वाई टू द पावर 4 क्या है, 3x माइनस वाई टू द पावर 4 इंटू में कितना था x प्लस 3y, x प्लस 3y टू द पावर 4। अब बेटा ये दोनों की पावर में 4 है ना, तो इसको एक साथ में तो लिख सकते हैं 3x माइनस y लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 3y की पावर में पूरे की पावर में 4 लिख सकते हैं। अब इसका हम आपस में तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, है कि नहीं, तो इसका बेटा आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये 3x मल्टीप्लाई होगा तो 3 जा कितना आ जाएगा बता दो 9xy आ जाएगा, 9xy और ये माइनस का xy तो ये 8xy हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास माइनस 3y स्क्वायर और इसकी पावर में 4। तो देखो जरा ये a है ये b है ये c है, क्या बन गया a प्लस b प्लस c की पावर में n बन गया, है कि नहीं, बोलो कितना बन गया, ये तीन टर्म आ गए इस बार, ठीक है ना। तो तीन टर्म बन गए, तो तीन टर्म के लिए आपके पास फार्मूला होता है कि n की वैल्यू कितनी है 4 है, n की वैल्यू कितनी है मतलब पावर कितनी 4 है और r मतलब टर्म कितने हैं, तो r हमारे पास तीन टर्म है, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता है n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, अगर नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो नंबर ऑफ टर्म का ये फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। सो व्हाट इज दिस, n कितना आ जाएगा बेटा 4 प्लस 3
माइनस वन सी थ्री माइनस वन विच इज इक्वल टू किसके, फोर प्लस थ्री सेवन, तो आ जाएगा सिक्स सी टू आ जाएगा, और सिक्स सी टू को आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, पंद्रह आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, फिफ्टीन के इक्वल आएगा, सॉल्व तो कर ही लोगे है ना। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपको कौन सा बन जाएगा, देख लो जरा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जा रहा है, फिफ्टीन यानी कि सी, कौन सा ऑप्शन हो रहा है सी। तो बहुत आसान फार्मूला बेस्ड सवाल था, ठीक है ना। मैंने पूरा पेपर बेटा एनालाइज किया आराम से, कोई भी बच्चा अगर उसने सच में पढ़ाई करी है, सच में तैयारी करी है, तो आप विश्वास मानो कि वो आउट ऑफ 120 80 क्वेश्चंस 80-85 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकता था, अगर उसकी तैयारी सच में एनडीए वाली है ना। बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया है ना, जो ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर हमारे पास है ना। तो इस बार भी नेक्स्ट टारगेट जिनका हो रहा है बेटा आंसर की मिलाने के बाद अभी चेक करना, लास्ट में स्कोर में बताना, अगर आपका हो रहा है तो प्लीज मुझे बताना सिलेक्शन हो रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ थोड़ी कमियां रह गई हैं तो प्लीज एक बार कमेंट करना, और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और आपको तैयारी में कितनी कमी थी, कहां वीक है कहां मजबूत है, आप मुझे प्लीज अपना टॉपिक बताइएगा और हो सकता है हम आपकी मदद करें, है ना। चलिए नेक्स्ट बेटा देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है हमारे पास, आइए कोशिश करेंगे हम आपको ऑफिसर बनाएं, ठीक है ना। बाकी आप बनना चाहते हो नहीं बनना चाहते हो, आपकी मेहनत रंग लाएगी बच्चों। अच्छा ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन था, इसमें क्या कह रहा था, इसमें देखो कह रहा कि पी क्यू आर एस आर इन ए पी सच दैट पी प्लस एस क्यू आर, तो इसमें कह रहा था जो डिफरेंस है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में, ये सिक्स है, करके देख लेना, ये तो आसान सवाल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन, ये रहा आपके सामने, ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन में, ये तो बिल्कुल प्रॉपर्टी आ गई, देखो बिल्कुल प्रॉपर्टी आ गई, क्या बोल रहा है, करा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिक्स्ड नेचुरल नंबर एनसीएनआर क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इफ एन इज इक्वल टू टू आर, एन टू आर है मतलब इवन ही हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इवन हुआ, और एन कह रहा है कि टू आर माइनस वन, एन टू आर तो ये ऑड हुआ। अब आपको पता है ये इवन वाली कंडीशन है या ऑड वाली कंडीशन है, तो सीधा प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब दोनों ही हमारे पास क्या है, करा विच ऑफ द करेक्ट, करेक्ट पूछा तो दोनों ही करेक्ट है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, बोथ एंड वन टू, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एम पैरेलल लाइंस कट एन पैरेलल लाइंस गिविंग राइज टू 60 पैरेललोग्राम्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन, एम प्लस एन की वैल्यू क्या है, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। मुझे एक बार बताओ, ये आपने फॉर्मूला तो पढ़ा है, एम सी टू इंटू क्या है, एन सी टू किसके इक्वल दिया है बताओ, ये अगर हमें चेक करना है किसके इक्वल है 60 के, तो m और n की वैल्यू आप सेटिस्फाई करा के देख लो, तो m आएगा 5 और n आएगा 4, तो 5c2 और इनटू 4c2 कंपेयर करके आप इसको निकाल सकते थे, तो 5 ये m हो गया एक n हो गया, तो दोनों को ऐड करोगे 5 प्लस 4 आ जाएगा 9, ऑप्शन डी, ठीक है ना। पैरेललोग्राम ये प्रॉपर्टी होती है, फॉर्मूला होता है, पता ही होगा आपको, पढ़ा है अगर आपने तैयारी सच में करी है तो, है ना। नहीं किया है तो प्लीज बेटा जान लगा दो सितंबर वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्या बोल रहा है इसमें, क्या कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ परमुटेशंस, परमुटेशन देखो लिखा ना, कितने इसमें टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, कितने टर्म्स हैं काउंट कर लो, जो रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो एक्स मिल जाएगा, उसी तरीके से बोल रहा है नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में कितने हैं जो रिपीट हो रहे हैं डिवाइड करोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें रिलेशन एक्स वाई में कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है ये हमसे पूछ रहा है, तो इसमें कितना अकाउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 फैक्टोरियल, एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं 12 फैक्टोरियल, कितने रिपीट हो रहे हैं इसमें, तो पी एक ही बार आया है, ई एक बार आया, आर एक बार आया है, टी आपका कितनी बार आ रहा है, टी दो बार आ रहा है, टी आपका दो बार आया, तो फैक्टोरियल टू हो जाएगा, और कोई ऐसा टी के अलावा और कोई नहीं आ रहा है, वाई चेक कर लो आप, वाई कितना है हमारे पास, वाई में कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 ही है, तो 12 फैक्टोरियल, कितने रिपीट हो रहे हैं वो जरूर लिख लेंगे हम लोग, तो ओ आया है दो बार, तो फैक्टोरियल टू हो गया, और एन भी हमारा दो आ रहा है, तो वो भी फैक्टोरियल दो हो गया, और कोई ऐसा है ना, ओ हो गया और एन हो गया, और कोई ऐसा जो रिपीट हो रहा है, आई आई भी रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल टू, ठीक है, तो ये आ गया। अब मुझे बताओ कि
x की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल 12 अपॉन 2, तो फैक्टोरियल 12 अपॉन 2 की जगह क्या लिख लेंगे x, तो y इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2, 2 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4y, तो x इज इक्वल टू 4y ऑप्शन c, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेटा प्रॉपर्टी बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो x इज इक्वल टू 4y आ गया, ऑप्शन c हो गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, अगले में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन बेटा कह रहा है, कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 को यूज करके हमको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं 5 डिजिट वाले। फिर कह रहा है कि विदाउट रिपीटेशन, उनमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर्स व्हिच आर लार्ज ग्रेटर देन 50,000, वो नंबर्स का परसेंटेज क्या है जो 50,000 से बड़े हैं, आओ देख लेते हैं, बड़ा आसान सवाल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल बेसिक सवाल पूछ लिया बेटा, कौन कौन से नंबर है 0 1 2 3 4 5। अब मुझे एक बात बताओ आप, हमको कौन से नंबर चाहिए, 5 डिजिट वाले नंबर चाहिए, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 5 डिजिट के कितने नंबर हमारे पास बन सकते हैं, तो 5 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं आप बता दो, ये बॉक्स मेथड आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज कमेंट करिए, है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास बॉक्सेस है बच्चों, कितने बॉक्सेस हमारे पास 5, तो कहने का मतलब अब देखो ये लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे 0 तो हम रख नहीं सकते, नहीं तो ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास चॉइस कितनी है, कितने डिजिट रखने की चॉइस है, इन 5 में से सिर्फ 4 ही चॉइस है जो यहां पर हम रख सकते हैं। अब क्योंकि रिपीटेशन नहीं है तो जो एक बार यहां आ जाएगा वो आगे रिपीट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहां भी हमारे पास चॉइस कितनी बची 4, अब जो यहां आ जाएगा वो आगे नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहां के लिए चॉइस बची 3, अब जो यहां आ गया होगा आगे नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहां के लिए चॉइस बची 2, अब जो यहां आ जाएगा आगे नहीं आएगा, तो लास्ट वाले के लिए भी एक ही चॉइस बचेगी, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा दो, कितना आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा 16 48 × 2 96 आ जाएगा, बोलो 96 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमको कह रहा है कि वो नंबर बताओ 5 डिजिट के जो 50,000 से बड़े, कितने परसेंट नंबर इसमें, इनमें से कितने परसेंट नंबर ऐसे हैं जो 50,000 से बड़े हैं, और बेटा मुझे बताओ अगर आपको 50,000 बनाना है इन 5 से, देखो जरा 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है ना, मुझे बताओ अगर मुझे 5,000 से बड़ा नंबर चाहिए, सॉरी 50,000 से, तो मुझे बताओ सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे, सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ेगा बेटा, 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 के बाद हम इसके आगे चाहे जितना नंबर रखें 1 2 3 4 कुछ भी इन, है ना, 0 से लेकर के 4 के बीच में कोई सा भी नंबर हम इसमें रख दें, है ना, कौन कौन सा नंबर था हमारे पास वैसे, बाई द वे 0 1 2 4 था, 3 नहीं था, माफ करना हमें ये 3 नहीं था, ठीक है ना, 3 नहीं था, 3 होगा तो यार 6 नंबर हो जाएंगे, 0 1 2 4 ही था, ठीक है ना, तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास चॉइस कितनी है, यहां पर हमारे पास चॉइस है कितनी बच्चों 4, यहां के लिए हमारे पास चॉइस तो फिक्स हो गई, ये तो हमने फिक्स कर दिया। अब इसके आगे कोई भी नंबर आप पुट करोगे इनमें से 0 1 2 4 में से कोई सा भी नंबर, यहां आपने 0 पुट कर दिया, मान लो यहां 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, है ना, और यहां मान लो आपने 4 पुट कर दिया, क्या बन रहा है 50,124, ठीक है ना, इसका मतलब क्या ये नंबर 50,000 से बड़ा कि नहीं है, बिल्कुल बड़ा है। अब इसको हम आपस में कैसे भी इधर से उधर करते रहे, इसका मतलब इन चारों में हमारे पास चॉइसेस हैं, इसका मतलब यहां पे हम कोई एक नंबर हम 4 तरीके से रख सकते हैं, यहां पे इसी तरीके से 3 क्योंकि रिपीटेशन नहीं है, यहां पर हम 2 और यहां पर 1, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 24 इन 96 में से 24 नंबर ऐसे हैं जो 50,000 से बड़े हैं, अधिक हैं, ज्यादा हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, ये 24 मिल गया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा था कि कितने नंबर हैं जो 20 कितने नंबर जो 50,000 से बड़ा है, नंबर नहीं पूछा, नंबर अगर पूछता तो हम बताते 24, अगर बच्चों नंबर पूछता या डिफरेंस पूछता तो 96 से 24 को हटा देते, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा कितने परसेंट नंबर, तो परसेंट तो आप बेसिक आप फॉर्मूला जानते हो, 24 96 में कितना परसेंट, तो आप बता दो 24/96 और इंटू कितना 100 आ जाएगा, है ना, तो कितनी बार जाएगा 4 बार, बोलो, और ये 2500 होता है तो 25% हो जाएगा, है ना, आओ जरा देख लेते हैं कितना आ रहा है 25%, ऑप्शन कौन सा बी, क्लियर है। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि कंसीडर फॉलोइंग, ये इसके लिए 2-3 क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन आपके पास गिवन है, स्टेटमेंट कह रहा है fx इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड 3 माइनस x प्लस 4 माइनस x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x डज द फंक्शन अटेन मिनिमम वैल्यू, कह रहा है किस वैल्यू पे ये मिनिमम अटेन कर रहा है, किस पे मिनिमम अटेन कर रहा है, कुछ मत करो भैया, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना,
इनकी एक तो एक तरीका तो आप ग्राफ कर लो, अगर ग्राफ भी नहीं आता है सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, कुछ मत करो इधर आओ, क्रिटिकल पॉइंट देखो, क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब मॉड के अंदर जो वैल्यू बेटा उसको जीरो कर दो, तो कितना आ जाएगा आप मुझे बता दो जरा, तो x माइनस टू पुट करोगे जीरो तो x आ जाएगा आपके पास टू, और थ्री माइनस x पुट कर दोगे जीरो, सॉरी हाँ तो x आ जाएगा हमारे पास थ्री, और फोर माइनस एक्स जीरो पुट कर दोगे तो x आ जाएगा हमारे पास फोर, तो तीन क्रिटिकल पॉइंट टू थ्री फोर, इन तीनों पॉइंट पर चक्कर एक बार देख लो जरा क्या क्या कहानी हो रही है, तो आप टू पुट करोगे तो कितना 2 माइनस टू जीरो, और 3 माइनस टू करोगे 1, और 4 माइनस टू करोगे 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, क्या पुट करने पे x अगर आप 2 पुट करते हो तो fx कितना आएगा, fx आएगा हमारे पास 1 प्लस 2 यानी कि 3 आ जाएगा, और इसी तरीके से x की वैल्यू आप 3 पुट कर दो तो fx कितना आ जाएगा, fx हमारे पास आ जाएगा 3 पुट करोगे 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आ जाएगा, और थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, फोर माइनस थ्री करेंगे तो वन आएगा, तो वन प्लस वन यानी कि टू आएगा, एफ ऑफ फोर कितना आ जाएगा, फोर पुट करोगे तो बेटा फोर माइनस टू करोगे टू आ जाएगा, और थ्री माइनस फोर मॉड लगा तो प्लस का वन आ जाएगा, और फोर माइनस जीरो आ जाएगा तो ये थ्री आएगा, तो क्या आ रहा है हमसे, क्या पूछा था मिनिमम किस पे मिनिमम अटेन हो रहा है, आप बता दो जरा किस पे मिनिमम मिल रहा है, बोलो थ्री पे मिनिमम मिल रहा है, यहाँ थ्री है यहाँ थ्री, सबसे कम कौन है टू है, तो थ्री पे मिनिमम मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम किस पे है थ्री पे, ठीक है ना। अगला What is the minimum value of the function? लो इसी से जवाब आ गया, थ्री पे मिनिमम क्या है दो है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया ए, समझ आया क्या, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मिनिमम किस मिनिमम वैल्यू क्या है टू है, किस पॉइंट पे है तो थ्री पे, x इक्वल टू थ्री पे, तो ग्राफ पता है तो ग्राफ से भी कर सकते हो, ग्राफ नहीं पता तो भी आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर बहुत आसान बेटा सवाल, क्या पूछा हमसे, हमसे कह रहा है कि s इज इक्वल टू कितना दिया है, जीरो से लेकर के 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन करते करते 100 फैक्टोरियल तक दिया है, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ s इज डिवाइडेड बाय 8 व्हाट इज द रिमाइंडर, अगर कह रहा है इसके सम को, इसके पूरे एडिशन को हम 8 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, इस पूरे को 8 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें बता दो, इसको हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कह रहा है रिमाइंडर क्या आएगा, अब एक बार बताओ फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, जीरो नहीं होती, ध्यान रखेंगे फैक्टोरियल जीरो क्या होता है, फैक्टोरियल जीरो होता है वन, तो वन प्लस वन टू आ जाएगा, फैक्टोरियल टू कितना होता है टू होता है, तो टू प्लस टू फोर आ जाएगा, फैक्टोरियल थ्री कितना होता है सिक्स होता है ना, तो कितना आ गया टू प्लस टू फोर, और प्लस कितना आ गया, ये हो गया दो, दो चार और छ है ना, और प्लस फैक्टोरियल फोर कितना होता है तो 24 होता है, फैक्टोरियल फोर प्लस फैक्टोरियल आप करते जाओ है ना, फैक्टोरियल फोर प्लस फैक्टोरियल फाइव प्लस एंड सो ऑन, अब ध्यान से देखो तो प्लस फैक्टोरियल हंड्रेड, मुझे वह बताओ फैक्टोरियल फोर का मतलब कितना हुआ 24, अब पूरे को आप अगर आप बेटा बताओ आप पूरे को एट से डिवाइड कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ यहां पे क्या होने वाला है, क्या आपको नजर आ रहा है, फैक्टोरियल चार में आठ से डिवाइड हो जाएगा ना, पांच भी आठ से डिवाइड हो जाएगा, फैक्टोरियल छह भी, तो ये सारे नंबर एट से डिवाइड होंगे, हर जगह रिमाइंडर जीरो मिलेगा, लेकिन जब फैक्टोरियल एट इसको डिवाइड करोगे तो छह चार कितना आ गया दस आ गया, तो दस को डिवाइड करोगे आठ से है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा दो ही तो आएगा, है कि नहीं, एक ही बार तो जाएगा, इसका मतलब क्या आ गया रिमाइंडर पूछा था तो रिमाइंडर कितना आ गया दो आ गया इसमें आपका है ना, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दो आ जाएगा। अगला क्या पूछा था हमसे, इसी तरीके से पूछा था, नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट हमसे पूछा है इसी सेम क्वेश्चन में, कह रहा है कि इफ द सम डिवाइडेड बाय 60, कह रहा है कि अब 60 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना भैया, सेम कॉन्सेप्ट आप लगा दो, आप ना देखते जाओ कि आपको 60 से डिवाइड करना तो 60 कब मिलेगा, तो जीरो पे तो नहीं मिलेगा, वन पे नहीं मिलेगा, फैक्टोरियल फाइव कितना होता है, फैक्टोरियल फोर कितना होता है, तो फैक्टोरियल फोर आपका पास आता है 24 होता है, और फैक्टोरियल फाइव कितना होता है तो 24 इंटू फाइव करोगे 20 और ये 120, ठीक है भाई, उम्मीद है सभी बच्चे आसानी से समझ पा रहे होंगे, बोलो कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है, बोलो भाई, तो 120, अब 120 60 से डिविजिबल है, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 से आगे के जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब 60 से डिविजिबल होंगे, तो फैक्टोरियल 5 के आगे कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टोरियल 5 के पहले वाले नंबर आप पकड़ लो, तो कौन कौन से नंबर पकड़ोगे, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और बस 5 के आगे तो डिवाइड हो ही रहा है 60 से, तो इसका मतलब दिक्कत कहां पे है हमको, दिक्कत हमें आ रही थी इन नंबर्स पे, तो इनको 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा वो देखना, और इनको ऐड कर लेते हो, फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, और ये कितना आ जाएगा
4 प्लस फैक्टोरियल 3 6 तो 10 आ जाएगा, और फैक्टोरियल 4 कितना 24, तो कितना आ गया 34। अब भैया 34 को 60 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस ही बात है 34 ही आएगा रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर कितना आ गया 34, ऑप्शन डी। बिल्कुल डिविजिबिलिटी का आसान सा सवाल था, आसान कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा था, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। है ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट टू आइटम्स, है ना। ये देखो जरा, कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, P इज द लार्जेस्ट एंगल, cos P दिया है 1/3, फर्दर द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल टचेस द साइड्स PQQR RP एट NLM, है ना, रेस्पेक्टिवली सच दैट द लेंथ PN QL RM, और क्या गिवन है n n plus 2 n plus 4 respectively where n is an integer, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू पूछा, दो सवाल इस पे हैं, है ना। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है इस पे आपके दो सवाल हैं। एक सेकंड रुकना जरा, प्यास लग गई भाई, थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए, गला सूख रहा है मेरा। हाँ, तो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल बना लो भाई, ट्रायंगल बना लेते हैं और इसके अंदर एक इन सर्कल भी बना देते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या है, पी क्यू आर है, और क्या है, एन एल एम है। क्या दिया हमारे पास, ये एन दिया है, और क्या दिया, पी क्यू कितना दिया है, है ना, है ना। पी पी एन कितना दिया था, देखो पी एन कितना दिया है, एन दिया है, और क्या दिया है, QL कितना दिया, तो QL दिया है, N plus 2 दिया है, और क्या गिवन है, RM, तो RM कितना दिया है, N plus 4, तो ये N plus 4 हो गया। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होते हैं, तो अगर बेटा इस पॉइंट से ये N है तो ये भी N ही होगा, और अगर इस पॉइंट से ये हमारा N plus 2 है तो ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होगा, तो ये भी N plus 2 ही आएगा, और ये N plus 4 है तो बेटा ये भी N plus 4 ही आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बात बताओ, cos p के बारे में गिवन है, cos p कितना गिवन है, 1/3 गिवन है, बोलो, तो cos p की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/3। तो एक काम करो ना, पहले cosine हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, cosine का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो भाई, बोलो बोलो, cos p कितना गिवन है, cos p की वैल्यू कितनी होती है। अब आपको एक बात पता है कि अगर कोसाइन रूल लगाते हैं तो कॉस सी जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने वाला साइड माइनस हो जाता है, साइड और एंगल में जो रिलेशन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके सामने वाली जो साइड है ये पूरी साइड है ना, ये जो बेटा पूरी साइड है ये वाली साइड, ये साइड ये माइनस हो जाएगी और ये दोनों साइड का स्क्वायर का प्लस हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा बोलो, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो एन एन प्लस ये n प्लस n करोगे तो n प्लस 2n प्लस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2n प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इन दोनों साइड को ऐड करोगे तो ये भी 2n प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और माइनस का ये सामने वाली साइड ऐड करके माइनस कर दो तो n प्लस 2 प्लस n प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा, 2n प्लस 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 BC, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, ये 2n प्लस 2 और ये 2n प्लस 4, ठीक है, ये आ गया। और cos p की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेना, है ना, इसको बेटा जब सॉल्व कर लोगे ना, ये थोड़ा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन कर लेना, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं रिजल्ट आपको, कि ये जो बनेगा आपका, ये जो सॉल्व होने के बाद n की वैल्यू आएगी, यहां से n की वैल्यू आएगी आपके पास, ये जो पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आएगी आपके पास 8, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, देख लेना n की वैल्यू आएगी 8, है ना। तो n की वैल्यू 8 आएगी, तो देख लो जरा हमसे पूछा क्या क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो इसमें सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ऑप्शन सी हो गया। अगला पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड कौन होगा, है ना। तो भैया n n प्लस 2 यही वाला साइड स्मॉलेस्ट होगा, ये तो भैया इसमें प्लस 4 हो रहा है और इसमें प्लस 6 हो रहा, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो 2n प्लस 2 जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, तो 2n प्लस 2 में कट 8 पुट कर दो, तो 2 इंटू 8 प्लस 2 करो तो 8, 16 प्लस 2 करोगे तो 18 आ जाएगा, 18। इसका मतलब कौन सा
सबसे स्मॉलेस्ट होगा तो 18 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान बेटा, आइडेंटिटी बेस्ड सवाल पूछ लिया फिर से वापस से ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे खासे सवाल आए हैं। क्या कह रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टेन एक्स प्लस कॉट एक्स सेक एक्स प्लस कॉस एक एक्स इज इक्वल टू 7 गिवन है ना। तो इसमें बेटा जब आइडेंटिटी ब्रेक करोगे ना तो कह रहा है कि ये इक्वेशन किस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक में बनेगा, साइन 2x में क्वाड्रेटिक बनेगा, और वो जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो ये पहला वाला ऑप्शन बन जाएगा आपका, साइन 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 44 साइन 2x प्लस 36। ठीक है ना। अब इसमें बोल रहा है कि साइन 2x की वैल्यू a माइनस b रूट c है, वेर a b आर नेचुरल नंबर्स एंड c इज प्राइम नंबर, देन a माइनस b प्लस 2c की वैल्यू क्या है, ये हमसे पूछा है। तो सुनो बेटा, जब पता है ना, अब आप इसको इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दोगे ना तो आपको पता है कि रूट्स मिलते हैं, कैसे रूट्स मिलते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। उसी तरह साइन 2x की वैल्यू जब आप लगाओगे इस फॉर्मेट से, इस फॉर्मूले से आप कंपेयर करके ब्रेक करोगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूं। ये आएगा आपका 22 माइनस 8 रूट 7 आएगा, 22 माइनस 8 रूट 7। अब क्योंकि पूरा सॉल्व करने में आपका समय लगेगा फालतू, अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले तो लगाना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करोगे तो यही चीज बनेगा आपके पास, है ना। अब साइन 2x की वैल्यू पहले से गिवन है, कितना, a माइनस बी रूट सी गिवन है, इज इक्वल टू 22 8 रूट 22 माइनस का 8 रूट 7। कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो a कितना आ जाएगा, है ना। ऑन कंपेयरिंग a आपके पास कितना आ जाएगा, a आपके पास आ जाएगा 22, बी आपके पास आ जाएगा 8 और सी आ जाएगा आपके पास 7। पूछा क्या हमसे, ए माइनस बी प्लस 2c की वैल्यू पूछा है, तो ए माइनस बी प्लस 2c, तो ए कितना आ गया हमारे पास 22, माइनस बी कितना है बेटा 8 है, सी कितना है 7 है, तो ये कितना आ जाएगा बता दो, 12 माइनस 8 4, 14 प्लस 7 कितना आ जाएगा है, बोलो 21 क्या बोलो है? सही है, नहीं 21 नहीं 28 आ रहा है, एक मिनट सही कर रहा हूं, वैल्यू अलग तो नहीं लिख दिया भाई, 14 a माइनस सॉरी ये प्लस 2c था ना, तो ये इंटू 2 करोगे ना, तो ये 2 करोगे तो ये भी 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा तो ये 28 आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन 28 आ रहा है। ध्यान रखना ये 2c था, मैंने यहां सिर्फ 7 into 2 नहीं करा था, इस वजह से ये 21 आ रहा था, तो 28 आएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए ऑप्शन आपका 28 है, गड़बड़ ना हो इसीलिए आप सामने रख रहा हूं कि कौन सा ऑप्शन फाइनली आपका बन रहा है ना। तो नेक्स्ट आप ध्यान रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, ये सवाल इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वाड्रेटिक का सवाल आ गया, कह रहा है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का कुछ दिया है, व्हाट इज द एचएम, तो यार एचएम का फार्मूला होता है, क्या होता है, 2ac अपॉन a प्लस c टाइप का, आपको पता ही बनता है फार्मूला बनता है ना, एपी इक्वल टू 2 तो एचपी बन जाता है ना, एचपी तो वैसे आपके वैसे सिलेबस में डिलीटेड है, लेकिन सवाल पूछता है, इस बार भी पूछा है एम जी एम एचपी से, है ना। तो एचएम कितना बन जाएगा, एचएम अगर आप निकालोगे तो एचएम जो आ रहा है आपका वो आएगा 4 आएगा, कितना आएगा बेटा 4 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द जीएम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जीएम निकालोगे तो जीएम आपका आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ना, इसका एक बार कैलकुलेशन देख लेना जीपी वाले का, है ना। जीपी क्या होता है पता है ना, ए रूट ए इंटू सी होता है ना अंडर रूट के अंदर, तो देख लेना कि क्या बन रहा है। हाँ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका जो बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी को, है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा है ना 2ac वाला, है ना, 2ac अपॉन a प्लस सी टाइप का फॉर्मूला बनता है ना एचएम के लिए, है ना। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स लगा लेना, उसी से ही बन जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें किसी को दिक्कत हो रही तो हल्का सा बता देना, जैसे सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, तो 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन कितना आ जाएगा बोलो a, तो यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, और इसी तरह अल्फा इंटू बीटा करोगे तो कितना आ जाएगा बता दो, सी बाई ए, तो 8 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, इसमें कहां दिक्कत है, इस फॉर्मूले में उठा रख दो, मतलब ये अल्फा बीटा की जगह क्या हो जाएगा एसी मान लो, तो एसी मतलब ये हो गया सिंपल सा, ये अल्फा बीटा आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, और क्या इसमें, है ना। तो एचएम कितना आ जाएगा, एचएम आ जाएगा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यू रख दो इसमें, तो 2 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रही क्या है, 8 प्लस 4 रूट 3
अपॉन में 3 + 2√2 और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा यानी 4 + 2√3 अपॉन 3 + 2√2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ऊपर से देखो बेटा, ऊपर से ना इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो इसमें से जब 2 कॉमन लोगे तो इसमें 2 बाहर जब आएगा तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 2। ये चीज सेम है, कट गया तो 2 × 2 क्या हो गया, 4 ही तो आ रहा है, तो ये 4 आ गया। सिंपल है। इसी तरीके से ये वाला भी पार्ट आप कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देख लेना कि ए आ रहा है या बी आ रहा है, शायद ए ही आ रहा था, है ना, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो इसको एक बार चेक कर लेना। सेम ऐसे ही जैसे आपको हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसमें आप जीएम लगा देना। तो जीएम क्या होता है, जीएम के लिए क्या आप यूज करोगे, है ना, जीएम अगर कह रहा है कि जीएम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो अल्फा इनटू बीटा हो जाएगा, मतलब रूट के अंदर क्या होता है, एसी होता नहीं होता है, मतलब अगर आप वो निकालते हो जीएम, तो ये वाला फॉर्मूले में उठा के रख लेना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यू है उठा के रख के देख लेना कि क्या बन रहा है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट जो बनेगा वो आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो बनेगा नेक्स्ट आपका वो है स्फीयर का सवाल पूछ लिया है। स्फीयर बेटा कुछ नहीं है, सर्कल की तरीके से काम करता है, बस 3D में है ये, है ना, किसमें है, 3D का क्वेश्चन पूछ लिया है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान बात है। क्या पूछा है हमसे, कह रहा है देखो ये अगर स्फीयर अगर मान लो हमारे पास ये है, और स्फीयर के अगर बच्चों डायमीटर के हमारे पास क्या है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है, है ना, डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स अगर पता चल जाए, क्या है, एक हमारे पास ए 1 - 1 2 और एक है बी 2 1 - 1, है ना, तो कह रहा है कि डायमीटर पता है, डायमीटर के पॉइंट हमें दिए हैं, तो कह रहा है कि ये इस टाइप का कुछ बन रहा है, तो कह रहा है कि व्हाट इज यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू। अब भैया कुछ नहीं करना है, अगर डायमीटर का आपको वो पता है तो इक्वेशन कैसे निकालोगे, इक्वेशन का फॉर्मूला अगर हमारे पास x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हमारे पास डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो बनता है वो x - x2 + y - y1 + y - y2 और प्लस z - z1 - z2 विच इज इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो इसी टाइप का इक्वेशन आपका बन जाएगा, और वहां कंपेयर करोगे और u प्लस v प्लस w जब निकालोगे तो आएगा बच्चों आपका -2 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, -2 आएगा। तो देख लेना, इसी फॉर्मूले में रख के इक्वेशन आपको बनानी है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, इसी फॉर्मूले में आपको रख करके इक्वेशन को बनाना है। कहाँ गया, ये रहा, ये इस फार्मूले में रख के आपको इक्वेशन बनाना है इसी फार्मूले में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना, इस फार्मूले में आप इसको रख के बना लेना। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, हाँ ये पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर पूछ रहा है। देखो आइए इसी को समझ लेते हैं। अब अगर इसके सर्कल के, ये सर्कल जो हमारा है, इस सर्कल के इस पॉइंट पे मान लो कोई हमारे पास पॉइंट P है और P से इसको मिला दो, इसको ज्वाइन कर दो, तो आपको पता है आपने, है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सर्कल के अंदर के एंड पॉइंट पे अगर कोई सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है तो डायमीटर, है ना, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है ना, तो उसी तरह स्फीयर का भी, स्फीयर और सर्कल का कॉन्सेप्ट पैरेलल चलता है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा तो इसके सामने ये एक हाइपोटेनस की तरह काम करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी का स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर क्या होगा, पी ए स्क्वायर और प्लस पी बी स्क्वायर होगा। तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर पूछा है तो मतलब हमें ए बी स्क्वायर निकालना है, तो ए बी का मतलब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस आराम से निकाल लो, क्या दिक्कत है भाई डिस्टेंस निकालने में, डिस्टेंस तो बहुत आसान है निकालना, कैसे, अंडर रूट फॉर्मूला लगा दो, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - z1 - z2 या z2 - z1 कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मत रख लो इसमें, कितना आएगा, 1 - 2 करोगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और -1 - 1 करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 - 1 + 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 × 4 = 13 √14 आ जाएगा, लेकिन अब क्योंकि हमें स्क्वायर पूछा है तो 14 आ जाएगा, कितना आएगा, 14 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं, और बड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, है ना, नेक्स्ट तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है ना, कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें भी दो पार्ट दिए हुए हैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से, कह रहा है कंसीडर टू लाइंस
whose direction ratios DRS given है, कोई line है उसके DRS given है, कौन सा, ये 2-1-2 and K3-5, ठीक है ना, कोई बात नहीं, they are inclined at angle pi by 4, वो pi by 4 angle पे incline करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. What is the angle K? Angle K के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाई बहुत आसान है, अगर वो pi by 4 angle पे incline कर रहे हैं, तो cos pi by 4, तो दो DRS के बीच का जो angle होता है ना, cos theta की जो value होती है, वो क्या होती है, B1 डॉट बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड बी वन इंटू मैग्नीट्यूड बी टू होता है ना. फॉर्मूला क्या चलता है बता दे रहा हूं फिर से एक बार, अगर हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू की बात करें तो बी वन वेक्टर डॉट बी टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू, ये फॉर्मूला होता है. कॉस पाई बाई फोर पहले से ही हमारे पास दिया है एंगल उनके बीच का, पाई बाई फोर एंगल दिया है, तो बी वन की जगह पहले का डीआरएस पहली लाइन का डीआरएस रखोगे, बी टू की जगह दूसरी लाइन का डीआरएस रखोगे, तो देखो जरा पहली लाइन का डीआरएस कहां गया है ना, पहली लाइन का जो DRS है वो 2-1-2 है, मतलब 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 2k कैप ki कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, उस फार्मूले में रखोगे k की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपके पास 4, ठीक है. फिर उसी तरीके से कह रहा, व्हाट आर द डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स. अब एक बात बताता हूं आपको, कोई अगर बोले ना कि इसके परपेंडिकुलर है ना, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उसका जो DRS निकलता है वो निकलता है आपका, है ना, जो DRS निकलता है आपको बता दें, है ना, जो DRS निकलता है वो जो DRS होता है परपेंडिकुलर लाइंस वाला, वो होता है B1 क्रॉस B2. तो B1 तो आपके पास है ही, और B2 में K की वैल्यू भी आ चुकी है, तो B1 क्रॉस B2 करके निकाल लेना, तो उससे क्या मिल जाएगा हमको, DRS मिल जाएगा, है ना. और पूछा भी हमसे क्या था, DRS ही था, क्या पूछा था, DRS ही पूछा था, तो DRS देख लेना क्या आ रहा है, कंपेयर करके देख लेना परपेंडिकुलर वाले में, तो आई थिंक ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी, चेक कर लेना इसको. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या कह रहा है कि ए दिया है, बी दिया है, ए दिया है, सी दिया है, बी कह रहा है कुछ इस तरीके से है कि ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी 25 है, ए क्रॉस बी जो है 9c के इक्वल गिवन है ना, तो इसको आप सेटिस्फाई करवा के भी कर सकते हो और फार्मूला लगा के भी कर सकते हो. तो सेटिस्फाई करोगे तो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करेगा दोनों के लिए, इसमें भी जो सेटिस्फाई करेगा इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा, है ना. वैसे ऑप्शन ए भी सेटिस्फाई कर रहा है इस वाले को, लेकिन इसको कर रहा है इसको नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सा कर रहा है, दोनों को जो करेगा, तो ये तो किसी को नहीं कर रहा है, डी वाला ऑप्शन तो शायद किसी को नहीं कर रहा है ना, बाकी वाले कर रहे हैं, बाकी शुरू के तीन पहले वाले को कर रहे हैं, तो पहले वाले को ही मत देखना, साथ साथ उसको भी चेक करोगे, जो इसको कर रहा है उसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दोनों को करना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, जो कर जाएगा दोनों को वही हमारा फाइनल आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा. करा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, तो अगर बेटा वेक्टर ए बी आपने ये निकाल लिया और ए आपके पास ये है, तो फार्मूला तो पता ही है, फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड बी, तो इसमें जो वेक्टर के बीच में जो एंगल आ रहा है ए प्लस बी और सी के बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा पाई बाई टू, कौन सा आएगा, पाई बाई टू, ठीक है ना. तो पहले a प्लस बी आप निकाल लेना भाई, a प्लस बी निकालोगे तो कितना आएगा, 3 और ये 5, 8i कैप आ जाएगा, ऐसे ओरल थोड़ा सा करके दिखा देता हूं आपको एक पार्ट इसका, और 3 प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 अब j कैप हो गया, है ना, और क्या हो जाएगा, 3 2 5 k कैप आ गया, क्या दिक्कत है, ये मिल गया, ये किसकी वैल्यू है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b की वैल्यू है, c वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, वो तो गिवन ही है, j माइनस k कैप, इन्हीं के बीच में एंगल पूछा है, तो इनके बीच में जो cos थीटा आएगा वो कितना आएगा, दिस डॉट दिस, तो इनका इसके डॉट करोगे तो आई वाला तो है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा, 5j वाले का करोगे तो प्लस का 5 आएगा, माइनस के प्लस के तो माइनस का 5 आएगा, नीचे मैग्नीट्यूड a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड इनटू c, तो माइनस 5 प्लस 5 जीरो हो गया, तो ओवर जीरो, तो नीचे ओवरऑल जीरो होगा cos थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाई टू, तो समझ गया ना कैसे पाई बाई टू आया. सिमिलरली आप आगे बढ़ जाओ, तो इसके खैर दो ही पार्ट थे, है ना. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, व्हाट इज कॉस अल्फा. बेटा आपको पता है कोसाइन पूछा, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, अगर डीआरएस पता है तो कोसाइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है बता दो आप, कॉस हमसे किससे पूछा है, कॉस
कौन सा पूछा है, कॉस अल्फा पूछा है, तो कॉस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ अगर कॉस अल्फा निकालना हमको, तो कॉस अल्फा होता है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 4 है, तो 4 अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कर लो, माइनस 8 का स्क्वायर कर लो और प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 16, 64, 1, 74, 84, 81, तो 4 अपॉन 9 आ जाएगा, है ना। कॉस अल्फा की वैल्यू पूछा था तो क्या आ गया, 4 अपॉन 9 आ गया, क्या दिक्कत है इसमें। सिमिलरली बच्चों आप इसका निकाल सकते हो कॉस 2 बीटा और कॉस 2 गामा निकालना, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉस पहले बीटा निकाल लो, कॉस गामा निकाल लो, तो कॉस बीटा कॉस गामा निकाल लोगे तो कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वो जो आएगा वो आएगा आपका -32/81 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना, सिंपल है। नेक्स्ट है, तो आपके 28 सवाल हो गए अभी तक, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या है, 29 के अंदर कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के दो के पोजीशन वेक्टर हमें पता है, ये और ये, ठीक है। कह रहा है कि कंसीडर द पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स फॉलोइंग पॉइंट्स, ये तीन पॉइंट कह रहा कंसीडर कर लो, ठीक है मान लिया, आगे बढ़ो। कह रहा विच ऑफ द, अच्छा दो सवाल है इसमें, है ना, तो इसका मतलब क्या है, क्या क्या हमसे पूछा है, एक तो हमसे पूछा है कि पॉइंट क्या होगा, और कह रहा है कि एक हमसे ये पॉइंट आप कंसीडर कर लो 29 के अंदर, और फिर ऑप्शन बताओ कि ये कौन से वाले इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब क्या कह रहा है, विच ऑफ द एबव पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन ए बी। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में बेटा क्या करोगे आप, डीआरएस निकाल लो, तो इस लाइन का डीआरएस क्या होगा, मान लो ए का कोऑर्डिनेट, ए का अगर आपको पता है पोजीशन कितना आई माइनस जे कैप, और बी का आपको पता है कितना जे कैप प्लस के कैप, तो डीआरएस आप निकाल लो, तो डीआरएस ऑफ ए बी लाइन कितना जाएगा, बोल दो, बोलो बोलो, डीआरएस, डीआरएस ऑफ लाइन ए बी, डीआरएस ऑफ लाइन ए बी कितना आ जाएगा बताओ, पता है ना दिस, सारे कोफिशियंट को माइनस करते हैं, तो जे कैप प्लस के कैप और माइनस करोगे किसको, आई कैप माइनस जे कैप, तो कितना आएगा, माइनस आई कैप आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस जे कैप, तो प्लस टू जे कैप हो जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा के कैप आ गया, तो ये डीआरएस आ गया किसका, ए बी का डीआरएस है, ए बी का क्या है ये डीआरएस आ गया, डीआरएस माने डायरेक्शन रेशियो। अब ए बी का डीआरएस अगर पता चल गया तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द एनी पॉइंट एंड हैविंग डीआरएस, वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन, वी कैन कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। तो डीआरएस हमारे पास है और दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो कोई सा भी पॉइंट हम ले लें, ये वाला, तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम ये वाला पॉइंट ले लें कि यहां से पास हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, वही लगा दो आप, कोई सा भी x माइनस x1 अपॉन ए वाई माइनस वाई वन लगा के चेक कर लो, तो x माइनस x1 कितना आ जाएगा, जीरो ही है, अपॉन ए कितना आएगा, माइनस वन, वाई माइनस वाई वन कर लो, तो वाई माइनस वाई वन कितना आ जाएगा, वन, अपॉन डीआरएस कितना, टू, और z माइनस वन अपॉन डीआरएस कितना, वन। अब इसमें देख लो कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसमें सेटिस्फाई कौन कर रहा है, आई थिंक सेकंड और थर्ड कर रहा है, माइनस वन पुट करोगे तो कितना आएगा, वन आएगा, यहाँ माइनस वन पुट करोगे तो भी माइनस वन आएगा, और चेक कर लेना कौन कौन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, तो देख लेना एक बार, है ना, सबको सही तो लिखा है ना, एक बार देख लेना, तो इसमें सेकंड और थर्ड आई थिंक सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना, सेकंड और थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, है ना, नेक्स्ट, बस कुछ नहीं करना था, लाइन का डीआरएस निकालना था, और डीआरएस पता चल गया तो किसी पॉइंट से पास हो रहा, तो फार्मूला वही होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, है ना, तो वो पॉइंट हो गया और पास होने वाला डीआरएस मिल गया, इक्वेशन निकल गया, इक्वेशन निकल गया, तो आप आराम से उसका सेटिस्फाई करा के देख लो कौन पास हो रहा कौन सा नहीं पास हो रहा, बात खत्म। अगला मैग्नीट्यूड पूछा था, तो अभी जो पीछे हमने मैग्नीट्यूड कहा गया, ये लाइन निकला था, तो दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, और चार एक पांच और छह, है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो आराम से निकाल ही लोगे ना भाई, ए बी का, है ना, बोलो भाई
माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो वन, टू का स्क्वायर करोगे फोर, फोर प्लस वन फाइव, वन का स्क्वायर फिर से वन, तो रूट सिक्स आ जाएगा इसमें, कितना आ जाएगा रूट सिक्स आ जाएगा, ये तो सबने कर लिया होगा। अगला आ जाओ, इफ डब्ल्यू इज द नॉन रियल क्यूब रूट वन देन वॉट इज द वैल्यू, वन माइनस ओमेगा, वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना, वन माइनस ओमेगा और ये दिया है साथ में, है ना, क्या साथ में दिया है अपॉन में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया है, ठीक है जी। इसकी इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, सिंपल मुझे बताओ, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है जीरो, तो यहाँ जाएगा वन माइनस ओमेगा, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, तो ओमेगा प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी माइनस वन, तो ये माइनस वन अपॉन मॉड में आ गया, ऊपर जाएगा माइनस वन क्या आ जाएगा ओमेगा माइनस वन हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हर कोई जानता है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बता दो जरा, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू होता है माइनस वन, है ना, तो ये माइनस वन बाई टू और ये माइनस का वन कितना आ जाएगा माइनस हाफ, और ये माइनस का थ्री बाई टू और प्लस का रूट थ्री बाई टू आई, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड ही तो पूछा है, तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा नाइन बाई फोर प्लस 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 कितना आएगा थ्री बाई फोर, क्या बोलो भाई कितना आएगा थ्री बाई फोर, तो नाइन नाइन प्लस थ्री करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ट्वेल्व बाई फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व तो कितना आएगा रूट थ्री आ जाएगा, कितना आएगा रूट थ्री, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भी आसान सवाल था, है ना। नेक्स्ट है अगला 32, 32 के अंदर क्या कह रहा है, 32 के अंदर क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाई यूजिंग 0 1 2 3 4 5 ईच वंस, और कह रहा है कि एंड डिविजिबल बाई सिक्स, जो कि सिक्स से क्या हो डिविजिबल हो, सिक्स से क्या हो डिविजिबल हो, ये हमें देखना है, ठीक है ना, तो सिक्स से डिविजिबल है कि नहीं आइए चेक कर लेते हैं, है ना। तो मुझे बताओ, अब अगर कोई नंबर को हमें सिक्स से डिविजिबल देखना तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है, फोर आ सकता है, जीरो भी आ सकता है कि नहीं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो ऐसी है नहीं, टू भी आ सकता है, तो कौन कौन से नंबर मिलेंगे बता दो, तो एक मिल जाएगा तुम्हारे पास जीरो वन टू, कितने नंबर हैं टोटल, एक दो तीन चार पांच छह, छह ऐसे नंबर हैं, है ना, और इनको देखना है कि अच्छा कितने नंबर का डिजिट चाहिए तुम्हें, छह डिजिट का, तो हमारे पास नंबर भी कितने हैं, नंबर भी एक दो तीन चार पांच छह ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे, अभी जैसे पीछे कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे बेटा क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे अगर जीरो हो गया तो वो छह डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, तो हमें जो नंबर ऑफ डिजिट चाहिए वो नंबर में वो चाहिए हमें छह डिजिट का नंबर चाहिए, तो छह डिजिट का नंबर चाहिए तो लेफ्ट पे आप रख नहीं सकते, तो राइट में ही आप जीरो रखोगे, मतलब उसको इग्नोर कर देना, तो पीछे से चॉइसेस आप देख लेना कि कितने कितने चॉइसेस बन रही है, तो ये एक में आपको बनेगा कितना 96, एक में 96 और एक में बन जाएगा आपका 120, तो 312 आ जाएगा इसमें, है ना, अभी पीछे आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है, ठीक है ना, तो समय वेस्ट नहीं करेंगे, आसान सवाल है, अभी पीछे सेम पूरा हमने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है बॉक्स बना करके, वैसा ही एकदम एज इट इज सवाल है। अगला कह रहा है 33 के अंदर क्या कह रहा है, व्हाट इज द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू डेसिमल 100, ध्यान रखना, कुछ बच्चों ने देखो इसको इसी को, ये इस बच्चे ने इसी को टिक कर दिया, ध्यान से मेरी बात समझो, ये क्या है डेसिमल नंबर है, ध्यान रखना, ये बाइनरी नंबर नहीं दिया 10011, ये बाइनरी नंबर नहीं गिवन है, ये क्या है, ये डेसिमल नंबर गिवन है, ठीक है, तो अगर डेसिमल नंबर गिवन है तो हमको डेसिमल में थोड़ा ना आंसर देने की इसके इक्विवेलेंट होगा, डेसिमल डेसिमल के इक्विवेलेंट थोड़ा ना बताना है, डेसिमल को बाइनरी के इक्विवेलेंट बताना है, तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देख लो, तो 10011 को 100 सॉरी क्या था यार 1011 है 1010 1011 है, तो 2 से डिवाइड करो 2 5 जा 10 है ना, और 0 2 5 जा 10 तो रिमाइंडर कितना आया 1, बोलो फिर कितना आ जाएगा 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और फिर 2 2 जा 4 रिमाइंडर कितना आया 1, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 रिमाइंडर आया 0, फिर 2 से 6 जा 12 3 0 फिर 2 से 2 3 जा 6 2 1 जा 2 रिमाइंडर आया 1, फिर 2 से 2 1 जा 2 सॉरी हाँ सही है, और फिर 2
और 1 जा 2, 2 5 जा 10 रिमाइंडर आया 1, फिर 2 से 2 7 जा 14 रिमाइंडर 1, 2 से 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1, फिर 2 से 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1, तो कितना आ रहा देखो जरा 1 2 3 4 5 है ना। लेकिन ये वाला 1 भी काउंट किया जाता है, लास्ट में जो 1 होता वो भी। तो इसका अगर बाइनरी को इस डेसिमल का जो बाइनरी होगा वो कितना आएगा 1 2 कितने 1 2 3 नीचे से ऊपर तक जाते ना, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 1, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 1 0 0 1। अब आइए ऑप्शन में चेक कर लें कौन सा है, 6 टाइम्स 1 किसमें है, इसमें कितना 3, इसको हटा दो, इसको इसको तो है पहले ही हट गया है, 2 3 5 पांच बार इसमें 1 है, ये भी हट जाएगा, इसको देखो जरा 2 3 5 इसमें भी 5 बार 1 0 0 1 तो लास्ट में है, 0 0 1 लास्ट में तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन इसमें 5 है और हमारे पास क्या है 6 है, तो ये अप्रोप्रिएट जो है वो डी बन सकता है, लेकिन इसमें सही ऑप्शन है ही नहीं, सही बताएं तो आपसे ये ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन रॉन्ग आया है, ठीक है ना, इसको हमने एक नहीं दो बार चेक किया था, तो इसमें ऑप्शन बेटा मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन डी बच्चे मार देंगे क्योंकि उनको लगा 5 बन रहा है, तो अप्रोप्रिएट इसी के आसपास जा रहा है। अब देखो यूपीएससी क्या आंसर देता है फिलहाल, तो ये इस पे आपको या तो सबको नंबर मिलेगा या तो डिलीट कर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें सही ऑप्शन है ही नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो ये मैट्रिक्स का बिल्कुल आसान सवाल बच्चों पूछ लिया है, क्या सवाल पूछा है बताओ जरा। अगला जो सवाल आपसे पूछ लिया है मैट्रिक्स का बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया है, क्या है देखो जरा, कह रहा है कि ए दिया मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, एडजॉइंट सॉरी डिटरमिनेंट ए कितना दिया है 4 दिया है, और 2 एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटरमिनेंट किसके इक्वल है 2 to the power alpha 3 की पावर में बीटा। यार इसमें प्रॉपर्टी लग रही, कुछ करना नहीं है, एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट जो होता है एडजॉइंट ऑफ k a जो होता है वो किसके बराबर होता है, के ए होता है के टू द पावर एन माइनस वन और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसकी वैल्यू होती है, कि एन क्या होता है, एन जो भी ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एक यूज होगी और एक प्रॉपर्टी ये वाली यूज होगी कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है डिटरमिनेंट ए की पावर में एन माइनस वन। तो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, दोनों फार्मूला यूज होगा, सबने बच्चे ने किया ही होगा इसको, तो इसको जब आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था। अगला क्या है, अगले में हमसे पूछा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 100 प्लस बीटा टू द पावर 100 अपॉन अल्फा टू द पावर 100 माइनस बीटा टू द पावर 100। तो इसमें जो रूट्स है वो कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है ना, ये चीज, ये जाना पहचाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो आप याद रखो, इसका एक होता है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है बता दो, तो अल्फा होगा ओमेगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा होगा माइनस ओमेगा, बीटा होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, करके देख लेना, ये बड़ा जाना पहचाना इक्वेशन है बेटा, एक ये और एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े जाना पहचाने हैं, बड़े यूज होते हैं इनका, क्या हो जाएगा बताओ ये, तो अल्फा की जगह ओमेगा रख दो बेटा माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा मतलब ओमेगा की पावर 100 हो जाएगा, और ये प्लस बीटा की पावर 100 है तो बीटा की पावर 200 हो जाएगा, यानी कि ओमेगा की पावर 200 हो जाएगा, है ना, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 100 हो जाएगा और माइनस ओमेगा की पावर 200 हो जाएगा, इसका मॉडुलस। अब अभी जैसे पीछे ओमेगा वाला सवाल किया था ना, ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो वही वाली प्रॉपर्टी आप इसमें सॉल्व कर लेना, लगा लोगे तो आएगा 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि ये बेटा ये बड़ा फेवरेट सवाल, ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं टपकता रहता है, बहुत फेमस क्वेश्चन, ए बी माइनस बी है, ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक होता है, बच्चा बच्चा जानता है, द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज क्या होती है 0, भैया इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल क्या होता है 0 होता है, और बाकी जो डायगोनल के ऊपर यानी कि ऊपर ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल जो बनता है ना, अगर तो उसका अपोजिट साइन के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, ए आई जे होता है माइनस ए जे आई के, तो इसका मतलब क्या हो गया, उनका सम तो 0 होगा ही, प्रॉपर्टी है सीधा, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, है ना, क्या पूछा इसमें हमसे, लेट ए और बी क्या दिया है, द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्री 0, तो बिल्कुल सही बात है, इट्स डायगोनल एंट्रीज इक्वल बट नॉन 0, कह रहा है कि इसकी जो डायगोनल एंट्री है, डायगोनल एंट्री कह रहा है इक्वल होगी, नहीं पहला गलत है, सॉरी पहला गलत है, डायगोनल एंट्री 0 होती है, इसमें कह रहा है डायगोनल एंट्री आर इक्वल,
यही बोला ना, क्या बोला है, इट्स डायगोनल एंट्री आर इक्वल बट नॉन जीरो, है ना। तो मुझे एक बार बताओ, ए बी माइनस बी ए अगर इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही तो बोला ना, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ए बी माइनस बी ए क्या है, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, है ना भाई, करके देख लो। ए सिमेट्रिक किसी को दिक्कत है तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए दिया है, बी ट्रांसपोज बी है, तो ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो आएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और ये बी ए माइनस ए बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है माइनस कॉमन लो तो ये ए बी माइनस बी ए आ गया। अब ये हो गया तुम्हारे पास, इसका जो ट्रांसपोज है ये माइनस का हो गया, मतलब इसक्यू सिमेट्रिक है, और इसक्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल एंट्रीज होते हैं वो जीरो 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 होते हैं, और जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट आएंगे नीचे आएंगे वो अपोजिट साइन यानी ए आई जे जो होता है माइनस का ए जे आई आता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो वैल्यूज आएंगी वो इक्वल तो होंगी बट अपोजिट साइन में। तो पहला ऑप्शन हमसे बोल रहा है कि इट्स डायगोनल एंट्री आर इक्वल बट नॉन जीरो, कह रहा है इक्वल होंगे लेकिन नॉन जीरो होंगे, ऐसा होता है स्केलर मैट्रिक्स के अंदर, है ना बच्चों। तो ये स्केलर की बात नहीं कर रहा, तो ये इस ए बी माइनस बी ए के बारे में बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बी माइनस बी ए, तो भाई पहला गलत, दूसरा द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्री जीरो, तो बिल्कुल डायगोनल नॉन जीरो होंगे, तो पहला ओनली वन ऑप्शन नहीं ओनली टू ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, ओनली ऑप्शन टू सही हो जाएगा, डन, ऑप्शन टू। नेक्स्ट 36 हो गया, 37, 37 चेक कर लेते हैं। 37 में क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिसेस ए बी सी Each of same order, दोनों का order, सबका order क्या कह रहा है, सेम है ना। तो AB is equal to AC, B equal to C if A is non-singular, तो भैया A non-singular होगा तो इसका मतलब उसका इस जो हमारे पास non-singular अगर है तो उसका inverse exist करेगा, तो inverse exist करेगा तो AB minus AC is equal to सॉरी ए बी इज इक्वल टू अगर ए सी है तो ऑब्वियस सी बात है बी बराबर सी हो जाएगा, सिंपल है। तो पहला ठीक लग रहा है, इफ बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स एक्स, ठीक है, सो कह रहा है कि हैविंग एन रोज देन बी इज इक्वल टू सी, तो कह रहा है कि क्या बी और सी बराबर होंगे, तो यार रोज की कॉलम मैट्रिक्स दोनों के लिए बोल रहा है तो ये कह नहीं सकते, है कि नहीं, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से वन, ठीक है। कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिंपल बात है यार, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इसको तो खुद ही निकाल लोगे, इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन, ऑप्शन बी, क्यों, इसका जो डिटरमिनेंट है मतलब जो है ना जो डी बनेगा वो भी जीरो बन रहा है, और डी वन निकाल के देख लें जीरो बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट में ये बेटा आपकी एक्चुअली लेवल का सवाल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन का सवाल है ना, लीनियर अलजेब्रा, बेसिकली इक्वेशन नहीं अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा कहां पढ़ते हो, बेसिकली आप ग्रेजुएशन पोर्शन में पढ़ते हो, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसका आई थिंक जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है ना, एक बार फिर भी देख लेना आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अगला तो बड़ा आसान है, क्या पूछ रहा है अगले में, अगले में कह रहा है What is the sum of the roots of the equation this? है ना भाई, देखो इस फर्स्ट वाले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो तो कितना आएगा x प्लस बी, और ये गायब हो जाएगा तो x माइनस ए और x माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी ए और c, तो इनका सम कर लो तो कितना आएगा बताओ, तो इनका सम कर बोल रहा है कितना आएगा a माइनस बी प्लस सी, यानी कि कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बी सही बन रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है अगला, अगला बोल रहा है देखो ये फिर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ गया, कह रहा है साइन बीटा बी द जीएम ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है, टैन गामा बी द एम ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो एक हम बताएंगे एक आप खुद से करना, ठीक है ना। साइन बीटा क्या बोल रहा है, साइन बीटा के बारे में बोल रहा है वो जीएम है किसका, साइन अल्फा और कॉस अल्फा का, तो साइन बीटा अगर जीएम है बेटा तो साइन बीटा कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब साइन जो बीटा होगा वो क्या होगा, साइन स्क्वायर बीटा जो होगा वो होगा साइन आपका कॉस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्या होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक बात है। हमसे क्या पूछा है, कॉस स्क्वायर टू कॉस टू बीटा की वैल्यू पूछा है, तो कॉस टू बीटा होता क्या है, साइन के फॉर्म में फॉर्मूला पता है ना, तो कॉस टू बीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर बीटा, तो इसका मतलब कितना जाएगा, वन माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा,
हमने साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू रख दी। वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो जरा ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये किसकी वैल्यू निकली, कॉस टू बीटा की वैल्यू आ गई। तो कॉस टू बीटा की वैल्यू आ गई पहला ऑप्शन, है ना, सिंपल हो रहा है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उसी तरीके से 42 में आप खुद से करना सेक 2 गामा निकाल लेना, जैसे हमने आपको ये वाला आइडेंटिटी लगा के दिखाया वैसे आप इसका निकालना 42 का, तो ये ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, ठीक है, चेक कर लेना। नेक्स्ट है 43 में क्या आ जाएगा, 43 में बच्चों आ जाएगा आपके पास, हमसे क्या बोला इसमें, इसमें बोला है कि अ फ्लैग स्टंप 20 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ पिलर 10 मीटर हाई सबटेंड्स एन एंगल टेन इनवर्स 0.5 का मतलब क्या हो गया, टेन इनवर्स 1/2 भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो आपको। एट अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाई द पिलर एट दिस पॉइंट पी, कह रहा कि इफ एक्स द डिस्टेंस, है ना, तो डायग्राम बना लो आप। तो एक हमारे पास क्या है, पिलर है और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक बताओ, उसके ऊपर एक हम लगा देते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए एक फ्लैग स्टंप लगा दिया, है ना, ए बी सी इस तरीके से, है ना, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनना है, ठीक है भाई। तो मान लो ये थीटा एंगल है और ये अल्फा है, है ना, ठीक है, नहीं तो टेन थीटा प्लस अल्फा कितना है बताओ, टेन थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा बता दो जरा, ये यहां से ये डिस्टेंस ग्राउंड पी से जो डिस्टेंस है इसने कितना बोला, एक्स बोला है, ये बोला है कि 10 मीटर है, है ना, और फ्लैग स्टंप 20 मीटर है, है ना, ये कितना है ऊपर वाला, ऊपर फ्लैग स्टंप आपका 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, ठीक है। तो टेन थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 20 प्लस 30 आ जाएगा, तो 30 अपॉन एक्स आ जाएगा, है ना, और यहां पे टेन थीटा प्लस अल्फा का टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो यहां से आपका आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, है ना, ठीक है। तो टेन अल्फा की वैल्यू आप, टेन थीटा वैसे कितना दिया है, टेन थीटा अगर निकालोगे इस वाले में तो टेन थीटा निकाल लेना, तो टेन थीटा कितना निकलेगा, टेन बाई एक्स आ जाएगा, टेन बाई एक्स आ जाएगा, यहाँ टेन थीटा प्लस अल्फा लगा दो, तो यहाँ टेन ए यानी टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन अल्फा इज इक्वल टू 30 अपॉन एक्स हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी, 10 बाई एक्स, यहाँ 10 बाई एक्स बेटा रख लेना, ठीक है। और क्या गिवन है हमारे पास, और कुछ गिवन है, हाँ टेन अल्फा हमारे पास कितना है, टेन अल्फा जो होगा ये 1/2 पहले से गिवन है, तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा, 1/2 पहले से गिवन है, तो बस ये वैल्यू यहाँ पे रख लो और सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा आपके पास, इधर साइड में करके दिखा दे रहा हूँ, ये कितना बन जाएगा, टेन थीटा की जगह आप रखना कितना, टेन थीटा के प्लेस पे रखना 10 बाई एक्स और प्लस टेन अल्फा के प्लेस पे रखना 1/2 अपॉन में रखना 1 माइनस टेन थीटा रखना 10 बाई एक्स और इंटू टेन अल्फा रखना बेटा 1/2 विच इज इक्वल टू 30 बाई एक्स। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, वो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस का 300 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। तो x की वैल्यू आएगी 30 या 10, x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, x की वैल्यू आएगी 30 और 10 आ रही है ना। तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, विच वन विच वन एक्स इज एस एक्स कैन टेक टू वैल्यूज विच आर इन द रेशियो 1:3, तो 1:3 हो जाएगा, 10 अपॉन 30 करोगे तो 10 और 3 का 30 का रेशियो कितना होगा, ऑब्वियस ही बात है, 10 और 30 का रेशियो 10/30 करोगे 1/3 आएगा, तो ये 1:3 का रेशियो बन रहा है, सही है। एक्स कैन बी इक्वल ऑफ द हाइट इक्वल टू द हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ, क्या इक्वल हो सकता है हाइट के, तो नहीं भैया हाइट के बराबर कहां हो सकता, नहीं हो सकता, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन ओनली वन हो जाएगा। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ टेन थीटा, तो टेन थीटा की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, अभी निकाला तो था टेन थीटा की पॉसिबल वैल्यू कहां गया, ये रहा 10 बाई एक्स है, तो x की जगह 30 पुट कर दो तो 10/3 आ जाएगा, 10/3 मतलब 1/3 हो जाएगा भाई, x की जगह आप क्या पुट कर दो, 30 पुट कर दो भाई, 1 पुट करोगे 1 है ही नहीं इसमें, तो 30 पुट करोगे तो क्या आएगा 1/3, तो इसका मतलब 1/3 हो जाएगा, बड़ा फेमस सवाल था ये वैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, जो लोग नोट कर रहे हैं है ना, पॉज करके वीडियो आप नोट कर लेना, दोबारा से स्लो मोशन में भी देख सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है तो थोड़ी सी स्पीड आपको हो सकता है कि हमारी ज्यादा लगे, बट कोई ना, मैनेज करिए थोड़ा सा। आप अगर किसी को ज्यादा लग रही है तो ऑप्शन है आप स्लो करके देखिए, किसी को स्लो लग रही है आप ऑप्शन है आप बढ़ा के देखिए, ठीक है ना। तो च्वाइस इज योर स्काइज, है ना, बट समझ जरूर लेना आप। अगले सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से दिया है दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड। कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज सिक्स टाइम्स द एएम ऑफ साइन ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, फर्दर बीसी इज इक्वल टू रूट थ्री, सी इज इक्वल टू वन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है कि क्या है, है ना। तो एबीसी बना लेते हैं हम लोग, है ना, एबीसी, ए बी सी, ए के सामने वाली साइड को ए, बी के सामने वाली साइड को बी, सी के सामने वाली साइड को सी। ये बेसिक तरीका होता है ट्रायंगल वगैरह के, क्वेश्चन आप करे होंगे पहले भी, है ना। क्या बोला पेरीमीटर के बारे में, क्या बोला है सम ऑफ, क्या बोला है बता दो, सिक्स टाइम्स क्या है बता दो, सिक्स टाइम्स ऑफ ए एम ऑफ साइन, है ना, साइन एंगल। तो ए एम सिक्स टाइम्स, तो ए एम क्या, साइन ए प्लस साइन बी और प्लस साइन सी। AM की बात कर रहा है, मतलब AM मतलब तीन एंगल ले रहे हो तो 3 से डिवाइड भी करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना। और साइन रूल तो आप जानते हो, K is equal to क्या होता है, K is equal to होता है A upon sin A, is equal to B upon sin B, और is equal to C upon sin C, ठीक है। तो K की वैल्यू क्या चूज कर लो, 2 चूज कर लोगे यहां से कंपेयर करने के बाद, तो K की वैल्यू अगर 2 सिलेक्ट करोगे तो K की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। तो K की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यहां से जो भी एंगल पूछा है वो आप निकाल सकते हो बहुत आराम से, जो जो एंगल पूछा, कौन कौन सा एंगल पूछा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो पेरीमीटर के बारे में पूछा है, यानी कि ए साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी के बारे में पूछा है। तो जो भी पूछा है आप आराम से निकालो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। कैसे निकालोगे आइए दिखा देते हैं एक हम, जैसे बी सी है ना, देखो मेरी बात समझो, साइन जैसे यहां से निकालोगे K की वैल्यू 2 पुट करो, जैसे मान लो ये बराबर कर लिया आपने, BC गिवन है, BC कौन सी साइड है बताओ, BC ये वाली साइड गिवन है, यानी A गिवन है आपको। तो A अपॉन साइन A, है ना, A अपॉन साइन A इक्वल टू क्या किया, तो A हमारे पास क्या है, BC है, A हमारे पास क्या है, BC, और BC की वैल्यू क्वेश्चन में कितना, रूट थ्री, तो रूट थ्री अपॉन साइन A, है ना, इज इक्वल टू K की जगह 2 पुट करोगे, तो यहां से साइन A कितना आ जाएगा बता दो, साइन A आ जाएगा रूट थ्री बाई टू, है ना, साइन A आ जाएगा रूट थ्री बाई टू। तो साइन A, इसका मतलब ए जो एंगल आएगा, ए जो एंगल आया वो कितना आ गया, रूट थ्री बाई टू किसका, 60 डिग्री का होता है, पाई बाई थ्री, ठीक है ना। इसी तरीके से और सी ए गिवन है, तो सी ए कहाँ है हमारे पास, सी यानी बी गिवन है, बी देखो ये बी वाला एंगल, तो बी अपॉन साइन बी कितना आ जाएगा, बी अपॉन साइन बी कितना हो जाएगा 2, तो बी की वैल्यू कितनी हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो 1 अपॉन साइन बी इज इक्वल टू 2, तो साइन बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 1/2, तो बी जो आएगा एंगल वो कितना आ जाएगा, कंपेयर करो 130 डिग्री की होती तो बी आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा, है ना, साइन बी, है ना। तो बी जो एंगल आया वो कितना आ गया, पाई बाई 6 आ गया, तो पाई बाई 6 माने 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा, तो बचा हुआ जो एंगल होगा सी के बारे में हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो होगा पाई बाई 2, तो इसका मतलब ये एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है, है ना। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री सी। अब जो जो चाहिए सब बता दो, क्या चाहिए तुम्हें बताओ, पेरीमीटर ऑफ एबीसी चाहिए, तो एबीसी निकाल लो भाई, किसने मना कर रखा, ए प्लस बी प्लस सी सारा कुछ तो पता है अब तो, ठीक है। तो जो चाहिए वो निकाल के रख लो अपने पास, कोई दिक्कत है नहीं। साइन सी कितना कर दोगे, पाई बाई टू, तो सी की वैल्यू, ए बी तो पहले से ही पता है, सी निकालना था सी निकाल लो, तो साइन सी की वैल्यू कितनी, पाई बाई टू रखोगे तो सी कितना आ जाएगा, सी आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 2, सी कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास 2, तो सी आ गया 2, तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, रूट 3, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी की वैल्यू हमारे पास है 1, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इनको ऐड कर लो तो रूट 3 प्लस कितना आ जाएगा 3, तो पेरीमीटर कितना आ गया, रूट 3 प्लस 3, यानी ऑप्शन सी। फिर क्या पूछा हमसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लो एबीसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बिल्कुल सही बात है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, और क्या बोल रहा, द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन एपी, जो एंगल है वो एपी में है, तो एक 30 है, एक 60 है, एक 90 है, तो एपी बन रहा है क्या, है ना, तो 3 3 6 3 9 एपी भी बन रहा है ना, तो दोनों ही सही हो जाएंगे ना, बोलो 30-30 का गैप है तो बोथ ऑप्शन सही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने शुरू में ही एक्सप्लेन करते समय बता दिया था, तो होपफुली आपने ये क्वेश्चन भी समझ लिया होगा, है ना।
ठीक है ना। अब कोई, हाँ उस बच्चे को थोड़ी दिक्कत हो सकती है जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, ट्रायंगल रेशियो वाला अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा तो हो सकता दिक्कत हो, और जिनने पढ़ा है तो वो समझ रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है। आगे बढ़ता हूं मैं, है ना। नेक्स्ट क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके कह रहा है कंसीडर द, फिर से आपको दो स्टेटमेंट बोला एक्स, ये मैक्सिमम मिनिमा का सवाल पूछ लिया, साइन इनवर्स ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए, वेर ए जो है वो जीरो टू पाई बाई टू है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू जो होगी बेटा इसकी होगी थ्री। ये सिंपल सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, ए की वैल्यू आप क्या कर दो पाई बाई टू पुट कर दो, तो पाई बाई टू पुट करोगे तो कितना आएगा, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा और नीचे साइन पाई बाई टू 1 होगा, तो ये जो आएगा साइन स्क्वायर पाई बाई टू, यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही, ये 1 1 3 3 बाई 1 1 3, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम, ठीक है बच्चों, आई थिंक आप समझदार हैं, तो जो बच्चे समझदार हैं समझदार को इशारा काफी है और बच्चे के लिए गुब्बारा काफी है कि नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है क्या, हाँ 48 है बिल्कुल, कह रहा कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज एक्स अटेन द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम किस पे आ रहा था, अभी बताया था ना कि पाई बाई टू पे थ्री आ रहा था, और किस पे आ रहा था, पाई बाई टू पे, तो बिल्कुल हो गया, डायरेक्ट हो गया भाई, इसमें क्या करना है। अगला सवाल देखो, इसमें कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस रूट थ्री बी सी, इसको एक काम करो ना इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस रूट थ्री बी सी इज इक्वल टू जीरो, इसको ना इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रूट थ्री सी बाई टू माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस प्लस सी बाई टू माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये बना लेना परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो रूट थ्री सी बाई टू माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी बाई टू माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हमने कर लिया। अब ये अगर कर लिया तो इन दोनों के स्क्वायर का सम जीरो हो रहा है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, तो रूट थ्री सी बाई टू माइनस बी अगर जीरो होगा तो यहां से मिलेगा हमको रूट थ्री सी इज इक्वल टू टू बी मिलेगा, और सी बाई टू माइनस ए अगर जीरो होगा तो सी मिलेगा हमको टू ए मिलेगा, तो यहां से हमको ए बी सी में रिलेशन मिल गया है, ठीक है भाई। तो ए बी सी में रिलेशन मिल जाएगा यहां से, तो और क्या बन जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से एबीसी में रिलेशन बन जाएगा, तो एबीसी अगर ध्यान से देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस सी स्क्वायर बनेगा, है ना। चाहो तो इसको एबीसी में आप रिलेशन चाहो तो इस्टेब्लिश कर लो, है ना। कैसे इस्टेब्लिश करोगे भाई, सी की जगह आप क्या कर लो, टू बी बाई थ्री कर लो, तो सी की वैल्यू ए के टर्म में लिख लो, ए की वैल्यू बी के टर्म में, उस तरीके से कर लो, तो सी क्या लिख सकते हो, सी लिख सकते हो के बाई रूट थ्री, बी आपका आ जाएगा के बाई टू, और सी आपका ए आ जाएगा आपका के बाई टू रूट थ्री, के बाई टू रूट थ्री, ठीक है ना। इस तरीके से आपका बन जाएगा ये, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ अगर देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन रहा है, सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा है ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आओ चेक कर लें जरा, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्राइंगल, तो भैया कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अरे सुनिए जरा कुलदीप, ठीक है, और क्या है, इफ सी इज इक्वल टू एट व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया पूछ रहा है, तो एरिया बेटा कितना हो जाएगा, एरिया आ जाएगा आपके पास एट रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है ना। सी आपके पास एट दिया है, तो भैया ए स्क्वायर ऐसे देख लो, है ना, क्या है ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है और ये ए है और ये बी है ना, है कि नहीं, तो ए बी सी इस तरीके से है, तो सी का बोला वैल्यू कितना है, एट है, सी की वैल्यू कितनी बोल रहा है, सी की वैल्यू बोल रहा है एट है, तो सी की वैल्यू अगर एट है तो हमसे पूछा एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वन अपॉइंट टू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, तो वन अपॉइंट टू बेस क्या लेंगे हम, बी लेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी है, देखो जरा बी की वैल्यू है के बाई टू, है कि नहीं, तो बी की वैल्यू आ जाएगी के बाई टू, और इंटू आपके पास अगला क्या है, हाइट, हाइट आ जाएगा ए, ए आएगा, और ए की वैल्यू कितनी है, कहां गया, ए की वैल्यू है हमारे पास के बाई टू रूट थ्री, है ना, टू रूट थ्री। अब सी की वैल्यू इसने एट दे रखा, तो सी की वैल्यू एट दे गया, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एट रूट थ्री, तो जहां के है वहां क्या रख दो, एट रूट थ्री, तो ये वन बाई टू इंटू के स्क्वायर होगा, तो एट का स्क्वायर और इंटू रूट थ्री का स्क्वायर करोगे थ्री हो जाएगा, अपॉन टू इंटू टू और इंटू रूट थ्री आ जाएगा, है ना भाई, तो ये एक एट तो कट जाएगा, तो और रूट थ्री से एक रूट थ्री कैंसिल, तो ये आ जाएगा एट रूट थ्री, कितना आ जाएगा, एट रूट थ्री। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है, क्लियर है सर, ठीक है।
ओके, तो आई होप आपने समझ लिया होगा। ओके, सो नेक्स्ट है आपका ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों कितना हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 51, ठीक है ना। 51 में क्या है, 51 देखो, 51 क्वेश्चन के अंदर कह रहा है करेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दिया है, x 1 2 3 4 5 दिया है, f दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया 4 6 9 7 दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा मीडियन पूछा है, बहुत बेसिक फार्मूला होता है मीडियन के लिए। आप क्या करते हो, इधर देखो, इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि है ना। अब देखो जरा मीडियन, ये तो बहुत आसान फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया इस बार आपसे, है कि नहीं बताओ भाई। तो सिंपल से आप क्या करते हो, ये देखते हो फ्रीक्वेंसी में कितने हैं, तो सबका सम करो, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो और बता दो आप आंसर फटाक से, है कि नहीं। तो ये x है हमारे पास और ये कितना है फ्रीक्वेंसी दिया, x कितना दिया है 1 2 3 5 और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 4 6 9 और 7 दिया है। CF इधर आप निकाल लो, CF कितना हो जाएगा 4 10 19 26, है कि नहीं, 26 आ गया। तो फ्रीक्वेंसी का जो सम आया यानी सिग्मा एफ कितना आया बता दो, है ना, वो आया आपके पास 26 आया। ये कितना है इसका सम 26 आया, 26 कैसे आपका इवन है, तो इवन है तो आपके पास दो टर्म होंगे, n की वैल्यू 26 है तो इसका मतलब n बाई टूथ टर्म मीडियन अगर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं मीडियन, तो मीडियन क्या हो जाएगा n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई टू प्लस वनथ टर्म और इसका बेटा एवरेज ले लो जरा, n बाई टूथ करोगे 26 बाई टू करोगे तो कितना आएगा 13th टर्म, तो 13th टर्म कहां मिलेगा, इसमें मिलेगा, इस वाले में ना, 10 तक में तो मिलेगा नहीं, तो ये 3 आएगा और 13 प्लस 1 यानी 14 टर्म, तो 13th टर्म और प्लस 14th टर्म, ये दो टर्म हमको चाहिए होंगे डिवाइडेड बाय 2, तो 13 टर्म भी हमारा कितना होगा 3 होगा और 14th टर्म भी हमारा 3 होगा, तो 3 प्लस 3 बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 3 ही तो आएगा, है ना, 6 बाय 2 यानी 3 आएगा, तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन सी, ठीक है। और क्या पूछा है, फॉर द डेटा दिस इफ m इज द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन एंड n इज द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4m माइनस n। तो वैल्यू पूछा है हमसे कि वैल्यू क्या है, आइए देख लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे, आइए चेक कर लेंगे किसमें क्या है। तो आपको पता है ना मीडियन निकालना, तो डेटा को हम या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले रखते हैं तब निकाल पाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या हमसे पूछ रहा है ना, इसमें बेटा क्या है, सिंपल पूछा, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर लो, कैसे करोगे देखो जरा। सबसे पहले माइनस वन है, माइनस वन वन है ना, फोर थ्री है ना, थ्री के बाद कौन बड़ा है भाई, एट है, एट के बाद कौन है, एट के बाद कौन है, नाइन है ना, नाइन के बाद कौन है, एलेवन है, और कौन है, ट्वेल्व है, 17 है और 19 है। आई थिंक हमने अरेंज तो करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ कर तो लिया है। इफ m इज द मीडियन, तो मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, तो शुरू के 5 का ऑब्जर्वेशन मीडियन निकालो, तो m की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, तो इन 5 में बीच में कौन है, तो m आ गया 4, n की वैल्यू निकालनी आखिरी में 5, तो आखिरी 5 कौन से हैं, ये वाले आखिरी 5 हैं, तो ऑब्जर्वेशन कितना आ गया n कितना आ गया 12 आ गया। हमसे क्या पूछा है 4m माइनस n पूछा है, तो कितना आ जाएगा बता दो जरा, है ना, ये कुछ सॉरी ये 3 होगा, ये 4 होगा क्योंकि असेंडिंग में करना था ना हमको, तो ये 3 होगा, तो ये आएगा 3, तो 4 × 3 − 12, तो कितना 12 − 12 = किसके आएगा, 0 के आएगा, है ना, असेंडिंग में करना था बेटा, ये 3 इधर होगा 4 इधर होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया, है ना, अच्छा हुआ नजर पड़ गई 3 नहीं तो 4 कर देते तो अभी अलग आंसर आता, 16 − 12 करते तो 4 ऑप्शन भी आ जाता, है ना, समझ गया नहीं समझे, तो ध्यान रखना कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आप उसको थोड़ा सा ऑर्डर सही रखना। अगला क्या पूछा इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 53, लेट पी क्यू आर रिप्रेजेंट द मीन मीडियन मोड, इस तरीके से है ना, तो कह रहा है कि किसके बराबर आएगा ये वैल्यू p प्लस q अपॉन 2p प्लस 0.7 टाइम्स ऑफ r,
तो बेटा बहुत आसान सवाल है ये भी, है ना, इसको आपने नोट कर लिया, इसको हटा रहा हूं मैं, ये भी आसान सवाल पूछा है आपसे, कैसे करोगे? आओ, क्या पूछा? 2p + q, तो p की वैल्यू आप निकाल लो बेटा, एक ही वेरिएबल में सारे कर लो, है ना। तो अगर p में रखना है तो p में रखो, r में रखना है r में रखो, है ना। चलो r में रखते हैं सारे, है ना, क्या कर लें, r में कर लेते हैं। तो p की वैल्यू r के टर्म में लिखोगे तो कितना आएगा, r/10 हो जाएगा, प्लस q की वैल्यू r के टर्म में रखोगे तो r/8 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स p की वैल्यू r के टर्म में रखोगे तो p की वैल्यू तो r/10 आ जाएगा, है ना, प्लस 0.7 r है तो r ही रहने दो, और इस पॉइंट को हटाओ, यहां से नीचे 10 कर लो, ठीक है ना। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर एलसीएम बटा आ जाएगा 40, और ये कितना आ जाएगा बता दो जरा, 40, तो ये 4r + 5r हो जाएगा, और इनटू में यहां एलसीएम आपके पास क्या बनेगा 10, तो ऊपर चला जाएगा 10, और 2r + 7r तो ये हो जाएगा बेटा 9r आ जाएगा, ठीक है जी, 9r आ गया, तो 5 + 4 9r, ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ जाएगा 1/4, कितना आएगा 1/4, विच इज ऑप्शन डी, ठीक है जी, ऑप्शन डी, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सारी वैल्यूज हमने कहां से निकाली, यहीं से, ये 5p है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, r/10, r की q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/8 आ जाएगी, यहीं से निकाला है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना सर ने कहां से कर दिया। तो बेटा कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई मैंने, सिंपल सा कैलकुलेशन करा है, डन। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल क्या कह रहा है, 50 नंबर 4, ठीक है, 54 में क्या कह रहा है, इफ जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स 1, 2, 2 square, 3 square, 2 square, 3 2 cube एंड सो ऑन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + 2 log g2। सुनो, जीएम एन नंबर ऑफ जीएम का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है x1 x2 x3 एंड सो ऑन होल पावर, अगर एक्स एन है तो इनका जो जीएम होता है बेटा क्या होता है, 1/n। तो अगर हमारे पास ये है तो इनका जीएम कितना, जी की वैल्यू आ जाएगी 1 × 2 × 3 2 और 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब एंड सो ऑन 2^n-1 होल पावर, कितने हमारे पास टर्म्स हैं, तो 1/n, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है n-1 तक जा रहा है ना, ये तो 2 से लेके n-1 n हो गया, n-1 हो गया, एक 1 भी है, तो n टर्म्स हो गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम देखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 सेम है बेस, पावर एड हो जाएगी, तो यहां बन जाएगा 2 की पावर में कितना बन जाएगा, ये n n-1 / 2 और ऊपर में 1/n, n से n का बर्थडे हो जाएगा, तो क्या आएगा 2^n-1/2 आ गया, ये आ गया बेटा g, उठा के g की वैल्यू रख दो, तो 1 + हमसे क्या पूछा है 2 log g/2, है ना, क्या पूछा है, ये रख लो इसमें, तो 1 + 2 log g की वैल्यू बेटा कितनी, अब बोलो, g की वैल्यू हमारे पास ये बेस 2 है, g की वैल्यू है ना 2^n-1/2। एक बात बताओ हमें, ये बेस सेम है नहीं, बेस सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 है कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा बता दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसको इधर ले आओ, पावर है तो आगे आ जाएगा, तो 1 + 2 × n-1/2 और log 2/2 की वैल्यू 1 हो गई, 2 से 2 का कट गया, तो 1 + n-1 विच इज इक्वल टू n, है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन आ गया, क्लियर है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। सिमिलरली hm के लिए फॉर्मूला होता है, hm जैसे ये वाला फॉर्मूला होता है, वैसे hm का फॉर्मूला होता है n टर्म्स के लिए, n/(1/x1) + 1/(x2) + 1/(x3), है ना, एंड सो 1/(xn), ये hm का फॉर्मूला होता है। तो इसका आप निकालोगे सेम जैसे ये हमने कैलकुलेट करा, वैसे आप hm वाला कैलकुलेट करना, मैंने gm कैलकुलेट कर दिया, hm आप कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन आएगा b, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सेम ये भी आसान सवाल, p कह रहा है कि p द मीडियन, है ना, क्यू बी द मीन और मोड ऑब्जर्वेशन x1 से लेके xn, s दिया हमारे पास इतना, तो कह रहा है टेक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ s, तो इसका आएगा 2q, है ना, एक्सपेंड करके देख लेना क्या बन रहा है, ठीक है। अगला आ जाइए, ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें थोड़ा सा कुछ डाउटफुल है, ये आपका डाउटफुल है ना, इसमें जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है ना, तो अभी के लिए इसको आप स्किप कर दो और देख लो यूपीएससी का रिजल्ट इस पे आंसर की जारी करता है ना, उसके अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन में सच में नहीं है, है ना, क्योंकि इस पे मैंने 2-3 बार दिमाग लगाया लेकिन आंसर नहीं, फिर भी अलग अलग आ रहा है ना, इसमें तो इसमें से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 58, इसका आ जाएगा 1/27, बहुत आसान सवाल है, 3 dice are thrown, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1/2/6 2/6 2/6 यानी 1/27 आ जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द मंथ, दिसंबर, 5 Sundays, है ना, तो ये आ जाएगा 3/7,
भाई दिसंबर महीने में कितने दिन होते हैं, 31 का होता है, तो 4 कंप्लीट वीक आएंगे, कितने कंप्लीट वीक होंगे, 4 कंप्लीट वीक होंगे, तो 4 कंप्लीट वीक वो हो गए, और बाकी वो जो 3 बचेंगे उन 3 में आपके पास ऑप्शंस होंगे, है ना, वो 3 वीक 3 डेज जो होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, 3/7 इसमें आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर बड़ा 60 है, बड़ा अच्छा सा सवाल है ये, आइए इसको उड़ाते हैं, धुआं धुआं कर दें इसको भी। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि नेचुरल नंबर, देखो क्या लिखा है, n प्लस 50 अपॉन n लेस देन 50। इसमें क्या बोला है, अ नेचुरल नंबर n इज चूजन फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके लिए, n के लिए, n के लिए क्या क्या चॉइसेस हैं। आप मुझे एक बात बताओ, n की वैल्यू हम यहां क्या क्या रख सकते हैं, या उल्टा ऐसे समझो कि कितने ऐसे हैं जो n सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बता दो कौन से कर रहे होंगे, मुझे बताओ भाई कौन कौन नहीं कर रहा, पहले वो निकाल लो। तो n इज इक्वल टू, अगर हम 1 से स्टार्ट होता क्योंकि नेचुरल नंबर, तो 1 अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 50 अपॉन 1 व्हिच इज इक्वल टू किसके, 51। तो क्या 51 50 से छोटा होता, गलत बात है, तो n इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। आप 2 पुट करो तो 2 क्या करेगा, तो 2 प्लस 50/2 करो, तो 2 50/2 करोगे तो कितना होगा, 25 प्लस 2 27 सेटिस्फाई करेगा। तो इधर वाले तो कर रहे हैं, पीछे से चल के एक बार देख लेते हैं, 49 चेक करके देख लो, तो n की वैल्यू बेटा अगर 49 पुट करेंगे तो क्या आएगा, है ना, यस सॉरी पहले 50 करके देख लो ना, 50 पुट करके, क्योंकि 1 से 50 तक पूरे लेने, हमको फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर बोला है, 50 पुट करके देखो कितना आएगा, तो 50 प्लस 50/50 कितना आएगा, ये होगा 1, तो ये आ गया फिर से 51 आ गया, तो 51 क्या 50 कोई नंबर खुद से, सॉरी ये 51 है, 50 से छोटा तो हो नहीं सकता 51, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, है ना, क्योंकि 51 50 से छोटा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, इसका मतलब 50 भी नहीं ले सकते, 1 भी नहीं ले सकते। 49 चेक कर लो, n इज इक्वल टू 49 क्या ले सकते हैं, आइए चेक करते हैं, तो 49 प्लस 50 अपॉन 49 लेस देन क्या होगा 50 से, नहीं देखो जरा 50/49 है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 50 में 49 में ऐड होगा तो ये क्या आ जाएगा 50 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 50 पॉइंट जरा सा भी ज्यादा होगा तो वो 50 से कम तो नहीं होगा ना, इसका मतलब ये भी हमारा गड़बड़ हो गया, तो 49 में नहीं होगा, 48 करके देख लो, तो 48 तो 50 बाई ये हो गया 48 और यहां भी 48, इसका मतलब क्या होगा 50/48 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग को आप 48 में ऐड करोगे तो 49 पॉइंट समथिंग आएगा व्हिच इज लेस देन 50, इसका मतलब क्या हुआ 48 सेटिस्फाई करेगा, उधर बीच वाले 48 कर रहा है, इसका मतलब इसके छोटे वाले तो कर ही रहे हैं 47 46 ये करेंगे, और उधर आपने 1 किया था, 1 के 1 नहीं सेटिस्फाई किया था, उसके बाद 2 3 नहीं कर रहा था, तो कौन कितने नंबर मिले, सिर्फ 3 नंबर ऐसे मिले, है ना, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 50 में से 3 हटा दो तो 47/50, आई समझ में बात, तो ये भी बिल्कुल आसान सवाल था, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, हमने पहले पार्ट में हमने बेटा कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, टोटल अटेम्प्ट किए हमने 60, शुरू के 60 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं विद प्रूफ, है ना, कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है और क्यों हो रहा है डिटेल सोल्यूशन के साथ। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा थी, जिस बच्चे को स्पीड अगर ज्यादा लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को स्लो मोशन में देखिए, और किसी को कम लग रही है तो आप डबल ट्रिपल स्पीड करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर किसी को डाउट है सो प्लीज कॉमेंट करें, और जरूर आपका उसका सोल्यूशन मिलेगा, और अगले पार्ट में हम 61 से 120 तक के सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो अभी तक आपका कितना स्कोर हो रहा है, इस 60 में आपके कितने करेक्ट हुए, प्लीज कमेंट करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।